आज हम लोग लीनियर फंक्शंस का ग्राफ बनाना सीखेंगे। ए एक्स प्लस बी टाइप का कोई फंक्शन जहां ए और बी इनको कोई भी दो रियल नंबर हो, ए को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ए और बी के स्थान पे कोई भी दो रियल नंबर दीजिए, हम उसका ग्राफ बना लेंगे तुरंत। यही हम लोग सीखेंगे। जैसे अगर कोई लीनियर फंक्शन है 2x माइनस 3 और इस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना है तो हमको इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और इस डोमेन के हर वैल्यू के लिए हमको इस फंक्शन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मालूम होना चाहिए। x बराबर 5 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, x बराबर -7 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जोड़ा जोड़ा में मालूम होना चाहिए, तभी जाके हम इस फंक्शन का ग्राफ बना पाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यही डिसाइड किए हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले हमको उसका डोमेन मालूम होना चाहिए कि x इक्वल टू कितना से x इक्वल टू कितना के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। जैसे अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक वर्टिकल लाइंस बनाना होगा और हर वर्टिकल लाइन पे हमको फंक्शन का वैल्यू प्लॉट करना होगा। यहाँ y जो लिखे हैं, चूँकि हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ y मीन कर रहे हैं हम इस फंक्शन के वैल्यू को y बोल रहे हैं, यानी यहाँ y मीन्स इन दिस केस y मीन्स 2x माइनस 3। हम इनपुट को x सिंबल से डिनोट करेंगे और आउटपुट को y सिंबल से। अगर आप इनपुट x डालते हैं तो ये फंक्शन रिटर्न करता है 2 टाइम्स x माइनस 3, जिस संख्या को हम y बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि यहाँ y का मतलब है 2x माइनस 3। तो जैसे हमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो x इक्वल टू फ्यू डॉट्स हम दिखा रहे हैं, x इक्वल टू माइनस 5 डालने पर ये फंक्शन रिटर्न करेगा -15 -13। तो इस वर्टिकल लाइन पे हम एक डॉट बनाएंगे जिसका y कोऑर्डिनेट -13 होना चाहिए, यहाँ कहीं -13। x इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1, x इक्वल टू -4 डालने पर -11, तो इस डॉट का y कोऑर्डिनेट -11 होना चाहिए, -13 होना चाहिए। उसी तरह से x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 0 डालने पर ये -3 रिटर्न करेगा, x इक्वल टू 1 डालने पर -1 रिटर्न करेगा, x इक्वल टू 2 डालने पर 1। तो हम इस तरह से डॉट्स बनाएंगे और इन डॉट्स को स्मूथली ज्वाइन करेंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो हमको यही प्रक्रिया करना पड़ता है, परंतु जब लीनियर फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे हम तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात अभी हम आपको नोटिस कराएंगे, ऑब्जर्व कराएंगे लीनियर फंक्शंस के बारे में। क्योंकि अगर हर फंक्शन का ग्राफ इसी प्रकार बनाना पड़े, ढेर सारा डॉट्स बना बना के सबको ज्वाइन करना पड़े, तब तो बहुत वक्त लग जाएगा ग्राफ बनाने में। पर लीनियर फंक्शन के बारे में हम लोग एक ऑब्जर्व करेंगे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कि लीनियर फंक्शंस का ग्राफ हमेशा बनता है एक स्ट्रेट लाइन। इससे पहले कि हम लीनियर फंक्शंस के बारे में और बात करें, हम पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो अभी हम डेवलप करेंगे और तब जा करके हम लोग वापस आएंगे लीनियर फंक्शंस के ग्राफ पे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि किसी भी लीनियर फंक्शन का जो
ग्राफ होगा, ये सब पॉइंट्स जब प्लॉट करेंगे और उनको ज्वाइन कीजिएगा तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर कोई और लीनियर फंक्शन ले लें, से 5x एक लीनियर फंक्शन है, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी ऑल रियल नंबर्स है, इसके डोमेन में से कोई भी नंबर डालें तो हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो 0.5 टाइम्स 0 यानी 0, 1.5 एक्स इक्वल टू 0 लाइन पे हम एक डॉट बनाएंगे जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0। हम इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 डालने पर इस फंक्शन का वैल्यू 5 है, एक्स इक्वल टू 2 डालने पर इस फंक्शन का वैल्यू 10 है, एक्स इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का वैल्यू -5 है, एक्स इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग -10 है। तो इस बार हम अगर डॉट्स को ज्वाइन करें तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, यह है वाई बराबर 5x लिखते हैं, ये 5x फंक्शन का ग्राफ है, इसको हम y बराबर 2x माइनस 3 लिख रहे हैं, ये 2x माइनस 3 फंक्शन का ग्राफ है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हर पॉइंट जो इस लाइन पे है, ग्राफ इस चित्र पे है, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो फंक्शन इस फंक्शन का वैल्यू है फॉर दैट पर्टिकुलर x। तो हम इस कर्व का इक्वेशन लिखे हैं y बराबर 2x माइनस 3, ऐसा बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि हम 2x माइनस 3 फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं। हम अभी आपके सामने दो लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं एज एन एग्जाम्पल, लेकिन अभी हमको एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना है कि ये चित्र एक स्ट्रेट लाइन है। अभी तो हम जो डॉट्स बनाए हैं और उसको ज्वाइन किए हैं तो अभी हमको पता नहीं है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा लग रहा है मेरे ग्राफ बनाने से कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये ग्राफ टू द स्केल तो है नहीं, हो सकता है ये डॉट्स तो थोड़ा ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे हो, हम ऐसा बनाए हैं कि लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी हम साबित करने जा रहे हैं आपके सामने कि किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाइएगा तो उसका जो शक्ल है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी उस फंक्शन का जितना भी डॉट्स है वो डॉट्स सब को अगर हम डॉट्स सब सेम स्ट्रेट लाइन पे लाइन करेगा, इस बात को बोलते हैं कोलीनियर। हम साबित करेंगे कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जितना भी पॉइंट्स था, जैसे -5, -13 एक पॉइंट, -4, -11 दूसरा पॉइंट, -3, -9 तीसरा पॉइंट, इस तरह से हम अनगिनत पॉइंट्स है जो रिप्रेजेंट करता है इस फंक्शन को, ये सारा डॉट को अगर हम प्लॉट करें तो हम साबित करेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलीनियर पॉइंट्स, और कोलीनियर का मतलब दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, लीनियर फंक्शंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी अगर हम एक स्क्वायर -1 फंक्शन का ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, इसी पे बना के देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0 डालने पर ये फंक्शन -1 रिटर्न करेगा, यानी इस लाइन पे डॉट यहाँ बनाएंगे -1, एक्स इक्वल टू 1 डालने पर ये फंक्शन 0 रिटर्न करता है, एक्स इक्वल टू 1 लाइन पे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स इक्वल टू 2 डालने पर फंक्शन 3 रिटर्न करता है, ये एक इवन फंक्शन है तो एक्स इक्वल टू -1 डालने पर भी 0 रिटर्न करेगा, एक्स इक्वल टू -2 डालने पर भी ये 3 रिटर्न करेगा। इसका डॉट्स बना के अगर हम उन सब को ज्वाइन करें तो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो हर फंक्शन, कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाइएगा तो
तो हर फंक्शन का ग्राफ का शक्ल अलग होता है। हमको ये साबित करना है आज कि लीनियर फंक्शंस का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, चाहे ए और बी का वैल्यूज यानी कोएफिशिएंट्स का वैल्यूज कुछ भी रहे, कोई भी रियल नंबर, इस लीनियर फंक्शंस का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। इस बात को साबित करने के पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं वो अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। कोई भी फंक्शन का जब ग्राफ बनता है, कोई भी फंक्शन आप कल्पना कीजिए, एक ग्राफ बनता है x इक्वल टू सम नंबर से x इक्वल टू सम नंबर के बीच में हम डॉट्स बनाते गए हर वर्टिकल लाइन पे और उनको स्मूथली ज्वाइन करके एक ग्राफ बना दिया। आप कल्पना कीजिए कि अभी आप इस पॉइंट पे एक पार्टिकल इमेजिन कीजिए कि एक यहाँ मौजूद है इस पॉइंट पे, और वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँच गया, तो वो जब जहाँ पे शुरू में था उस पोजीशन को हम इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, और जहाँ जाकर के वो रुक गया है अंत में उस स्थान को फाइनल पोजीशन बोलेंगे। जब पार्टिकल इस स्थान पे था तो उसका x कोऑर्डिनेट x1 था मान लें, और उसका y कोऑर्डिनेट y1 था मान लें। फाइनली जिस स्थान पे जाकर के वो रुका है उस स्थान का x कोऑर्डिनेट को x2 और y कोऑर्डिनेट को y2 मान लें। जैसे जैसे पार्टिकल इस स्थान से उस स्थान की ओर जाता है उसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे यानी परछाई और उसका परछाई y एक्सिस पे वो भी मूव करता है। द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ और उसका दो परछाई है या प्रोजेक्शंस ऑन द x एंड द y एक्सिस, दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस। ये पार्टिकल एक्चुअल पार्टिकल ये है जो अलोंग द कर्व ट्रैवल कर रहा है, और उसका दो कल्पना कर रहे हैं हम कि उसका प्रोजेक्शन है ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस जो एक्स और वाई एक्सिस के दिशा में मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल इस पोजीशन से उस पोजीशन की ओर जाता है हम कहते हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। हम इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें विथ एन एरो, तो हम इस एरो को कहते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसको इस एरो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट जो कि हम एक एरो के रूप में दिखाए हैं उस एरो का जो टेल है वो इनिशियल पॉइंट से शुरू करते हैं बनाना, और एरो का जो हेड है वो फाइनल पॉइंट पे जाकर के रोक देते हैं। अगर हम उस एरो का प्रोजेक्शन लें ऑन द एक्स एक्सिस तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस एरो को, और इस एरो को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट या एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसका एरो का हम प्रोजेक्शन ले लें वाई एक्सिस पे तो हम इस एरो को कहते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। और इन दोनों क्वांटिटीज को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का। जैसे आप अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं इस प्रकार, जैसे जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं इस तरह से, वैसे आपका
ये अर्थ के पैरेलल भी डिस्प्लेसमेंट होता है और साथ साथ आप ऊपर भी उठते चले जाते हैं, पैरेलल टू द अर्थ और परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। तो आप अगर यहां से चल के वहां तक गए हैं तो हम इस क्वांटिटी को कहेंगे, वहां से जो प्रोजेक्शन ड्रॉप करेंगे पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोलेंगे। ये अर्थ का सरफेस हम बनाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाए हैं, उसी के पैरेलल है ये सब। तो एक पार्टिकल जब इस पोजीशन से ट्रेवल करता हुआ इस कर्व के अलोंग इस पोजीशन पे गया है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदला है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदला है। हम इस प्रकार दिखाएंगे, एक सिंबल डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा एक्स सिंबल से रिमूव करेंगे इस क्वांटिटी को। डेल्टा एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये पार्टिकल जब इनिशियली यहां था तो ओरिजिन से उसका दूरी एक्स वन था, अब ओरिजिन से उसका दूरी x2 हो गया है अलोंग द x एक्सिस, तो ये लंबाई x2 माइनस x1 के बराबर हुआ। तो हम इस तरह से बोलेंगे डेल्टा x, तो उसका मतलब है चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, और चेंज इन x जब भी पूछेंगे तो आप x का फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जवाब देंगे। उसी प्रकार हम एक क्वांटिटी यहाँ डिफाइन किए हैं, इसको हम डेल्टा वाई सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और डेल्टा वाई का वैल्यू जब भी पूछेंगे तो आप फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके बताएंगे, तो इसको बोलते हैं डेल्टा वाई, विच मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। जैसे अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में किसी एक वक्त आपको दिखा इस स्थान पे इनिशियली माइनस थ्री कॉमा फोर स्थान पे दिखा, माइनस थ्री कॉमा फोर, तो किसी भी पाथ से ट्रेवल करता हुआ गया हो आप थोड़ी देर बाद आपको इस स्थान पे दिख रहा है फाइनली इस पॉइंट पे एट द पॉइंट फाइव कॉमा माइनस सिक्स, सिक्स कॉमा सेवन कॉमा माइनस सिक्स, सेवन कॉमा माइनस सिक्स। तो आप अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो बना दें तो इस एरो को कहते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप इस एरो से कल्पना कीजिए एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और फिर वहां से आप एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं इस पॉइंट तक ज्वाइन कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर, अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो यही है इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, जो कि आप इस एरो के टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और इसके हेड से और दोनों को ज्वाइन करते, वही है हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम यहां दिखाने के बजाय अभी यहां दिखा रहे हैं। जैसे इस कंपोनेंट को हम इतना यहां चित्र बनाने के बजाय अगर यहां पे चित्र बनाए होते उतना ही लंबाई और उस दिशा में, और इसको हम यहां दिखाए होते तो ये है डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा वाई। ये समझना बहुत आवश्यक है कि पार्टिकल जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया तो हम अगर पूछें कि पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वाई दिशा में कितना हुआ है, तो आप जवाब इस प्रकार लिखेंगे। आप जो जवाब देने जा रहे हैं वो एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बताने जा रहे हैं, यानी कि यहां से यहां धसकने के कारण उसके एक्स कोऑर्डिनेट में कितना बदलाव हुआ है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, सेवन माइनस माइनस थ्री, आप कहेंगे कि
10 यूनिट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज, ये नंबर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, -6 -4 -10। यहां ध्यान से देखिए, जब आप एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज निकालें तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट है वो प्लस 10 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और -10 का मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब भी आप एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो यहां से वहां जब आप गए हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसा बोलते हैं, और उसका x कंपोनेंट का मतलब x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज है, और y कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का मतलब y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ है। और ये आंसर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर, या जीरो भी हो सकता है। इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हॉरिजॉन्टल सड़क पे दौड़ रहा हो, एक डिस्टेंस मूव करता है ऑफ से 2 meters हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम अगर इससे पूछते कि कितना है इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो आप बोलते अगर इस दिशा को हम डिफाइन कर दिए हैं एज पॉजिटिव डायरेक्शन तो आप बोलते +2 meters, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल पूछते इस दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आप बोलते 0। इस स्थान से अगर आप एक एक्स वाई प्लेन डिफाइन कर देते ओरिजिन के साथ, तो अगर यहां से यहां कोई आदमी गया है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसी प्रकार कोई आदमी अगर रस्सी पकड़ के और किसी रस्सी पे लटक गया हो और ऊपर की ओर चढ़ रहा हो और चढ़ते चढ़ते ये 3 meters ऊपर चला गया, तो इसका हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आप बोलेंगे 0। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर हम इस दिशा को पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन कर दें पॉजिटिव, तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे +3 meters। और यही आदमी अगर नीचे उतर रहा हो से अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आप ऐसे लिख के -4 कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को 0 बोलेंगे। नीचे आएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। अगर कोई व्यक्ति ऐसे चढ़ के जा रहा हो, मान लीजिए मेरे घर का जो सीढ़ी है जिसपे आप पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड, और हर बार जब आप पैर रख करके आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं उसको बोलते हैं राइज। तो मेरे घर का जो सीढ़ी है उसका ट्रेड 10 inches लंबा है, इंचेस, इंच इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो 1 inch करीब इतना बड़ा होता है, एक उंगली के किनारे से पहला डिवाइडिंग लाइन तक का जो दूरी है वो करीब 1 inch है, और 1 inch लगभग 2.54 centimeters के बराबर होता है, 1 centimeter करीब इतना होता है, तो 2 centimeters एंड अनदर 0.5 हाफ ऑफ अ सेंटीमीटर। तो मेरे घर का जो सीढ़ी का जो ट्रेड है वो 10 inches लंबा है, और जो राइज है वो 6 inches लंबा है। तो अगर आप 1, 2 और 3 सीढ़ी चढ़ जाते हैं यहाँ से वहाँ तक, तो हम आपको पूछेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो 10, 10 और 10 आप कहेंगे कि 30 इंचेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और 6 + 6 + 6 18 इंचेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसा बोलेंगे। और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि हम एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इसको डिफाइन किए हैं, इसको और इसको तो हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का मालूम हो जाए कि 30 इंचेस से हम घस के हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में हम 18 इंचेस से ऊपर उठ गए, यहाँ थे अब यहाँ हैं, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वैल्यू पूछिएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके रूट अंडर 30 इंचेस का स्क्वायर प्लस 18 इंचेस का स्क्वायर करके हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यही है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, और ये दोनों संख्या को हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट्स बोल रहे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। एक महत्वपूर्ण क्वांटिटी हम लोग को डिफाइन करना है, स्लोप। ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इनको जब ज्वाइन कीजिएगा एक स्ट्रेट लाइन से, तो जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बदला है वैसे वैसे वाई कोऑर्डिनेट भी बदला है। तो एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको अगर हिंदी में बोलें तो वाई कोऑर्डिनेट के बदलने का दर को बोलते हैं स्लोप। अर्थात अगर आप आम खरीदने जाते हैं बाजार में और हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि आम किस दर से बाजार में मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि एक आम का कीमत हम पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बाजार गए और 4 आम खरीदे 20 रुपया में, तो हम जब पूछेंगे कि दर बताइए, तो आप 20 रुपया को डिवाइड कर देंगे 4 मैंगोज से, तो जो ये मिलेगा संख्या उसको आप बोलेंगे 5 रुपया प्रति मैंगो। इसी को कहते हैं दर। तो हम जब किसी लाइन का स्लोप डिफाइन कर रहे हैं, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, आप इस स्ट्रेट लाइन में जब मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंजेस हो रहा है, तो इस रेशियो को हम डिफाइन कर रहे हैं एज स्लोप। आप इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी स्थान पे एक सीढ़ी जैसा कल्पना कीजिए, यहाँ हम बड़ा सीढ़ी कल्पना किए हैं, यहाँ छोटा और छोटा सीढ़ी कल्पना किए, तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर आपसे कहें कि स्लोप बताइए, तो उसका मतलब यही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है जो हमको ना इस लाइन के पर जब हम मूव करेंगे, एक सड़क की तरह कल्पना करें जो एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और ये सड़क थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है, सम एंगल बना रहा है, तो इस सड़क का स्लोप क्या है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, छोटा सा सीधा स्लोप निकालने के लिए। और एक्चुअली में एक स्केल से नापेंगे कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जब गए, एक्स कोऑर्डिनेट में हम चेंज हुआ से 3 यूनिट्स का, और हम राइज हमको मिला 1 यूनिट का, 3 यूनिट घसकने पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमको 1 यूनिट का चढ़ाई मिला, तो आप 1/3 कहेंगे कि इस लाइन का स्लोप है। अगर कोई विद्यार्थी एक बड़ा सीढ़ी बनाता है से 6 यूनिट्स लंबा, यूनिट बने सम यूनिट फॉर लेंथ 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर या 6 किलोमीटर,
अगर बनाएंगे तो उसको राइज मिलेगा 2 units पक्का। यानी जब वो बड़ा सीढ़ी बना करके इसी लाइन का स्लोप मेजर करेगा तो उसको जवाब भी सेम आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसलिए बराबर है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस आप बनाए हैं टू द एक्स एक्सिस, और ये लाइन जो है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, दो पैरेलल लाइंस को कट करने, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। इसीलिए दिस बटे दिस का रेशियो और दिस बटे दिस का रेशियो और दिस बटे दिस का रेशियो सेम आएगा। इसी को तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे कर्व को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन जिसपे कहीं भी सीढ़ी बनाइए इस तरह का, कितना भी बड़ा बनाइए या कितना भी छोटा बनाइए या कहीं पे भी बनाइए, आपको सेम स्लोप मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ही ऐसा है, यही है, इज अ कर्व ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप। अगर हम स्लोप शब्द को डिफाइन नहीं करते तो हम स्ट्रेट लाइन को डिफाइन ही नहीं कर पाते कि किसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे ये वाला जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई पूछे कि क्यों नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? अगर हम यहां एक पॉइंट ले लें ए और एक पॉइंट बी और यहां एक सीढ़ी बनाए, यानी हम इस लाइन का स्लोप निकाले दिस बाय दिस, अगर हम यहां एक पॉइंट ले लें और यहां एक पॉइंट ले लें और अब स्लोप निकाले दिस बाय दिस, तो डिफरेंट नंबर आएगा। यहां और यहां एक पॉइंट लेके स्लोप निकाले दिस बाय दिस तो डिफरेंट नंबर आएगा। इनफैक्ट स्लोप कहते हैं कि बढ़ता जा रहा है स्लोप, और ज्यादा चढ़ाई महसूस करेंगे, स्टीप बोलते हैं, जेंटल बोलते हैं इंग्लिश में, इसके तुलना में उस पर ज्यादा खड़ा जैसा है, तो इसके तुलना में ये सड़क ज्यादा स्टीप है बोलते हैं, और उसके तुलना में ये सड़क ज्यादा जेंटल है बोलते हैं, कम चढ़ाई अधिक चढ़ाई और अधिक चढ़ाई। तो ये कर्व निश्चित रूप से इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिफाइन किए हैं अ कर्व विथ यूनिफॉर्म स्लोप। स्लोप को थोड़ा और समझ लें, अगर हम एक यहां हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और हम पूछते हैं इसका स्लोप बताइए, आप इस पे कोई दो पॉइंट ले लीजिए, कोई दो पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखें, अगर मान लीजिए ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन वाई बराबर 3 नाम है इस लाइन का, यानी वो वाई एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता हो। अब इस लाइन पे हम कोई दो पॉइंट ले लें स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए, अब ये तय हो गया कि हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 है, तो डेल्टा वाई हो गया ये y1 ये y2, तो डेल्टा वाई हो गया y2 माइनस y1 और डेल्टा एक्स हो गया x2 माइनस x1 और स्लोप हो गया मेरे डेफिनेशन के अनुसार y2 माइनस y1 बटे, और ये आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ये दोनों लेना जरूरी नहीं है, आप x3 y3 ले सकते हैं, x5 y5, कोई भी दो पॉइंट। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो हम एक पॉइंट यहां लिए एक पॉइंट यहां लिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कुछ मान ले रहे हैं 3,3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 5,3, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम लेना ही होगा और एक्स कोऑर्डिनेट हम कुछ कुछ ले लिए। खाली आप देखिए कि जो दो पॉइंट हम चूज किए हैं वो इसी लाइन पे होना चाहिए,
तो दोनों का खाली वाई कोऑर्डिनेट को हमको 3 लेना था, एक्स कोऑर्डिनेट हम कुछ भी चुन सकते थे। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम चूज किए हैं 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन। अब हम y2 माइनस y1 करेंगे तो 0 आएगा, और x2 माइनस x1 का वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस 3, ऊपर में 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 0/2, नो चेंज इन द y कोऑर्डिनेट, जिसका मतलब 0 टाइम्स हाफ होता है और 0 इंटू एनीथिंग का वैल्यू 0 होता है। यानी ये वाला जो लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन उसको हम मानेंगे 0 स्लोप का लाइन है। और जैसे जैसे ये लाइन ऐसे झुकता जाएगा और अधिक एंगल बनाता जाएगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, घड़ी का सुई जिधर घूमता है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता जाएगा, वैसे वैसे उसका डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी स्लोप और बड़ा और बड़ा और बड़ा नंबर आएगा। जो लाइन जैसे इस लाइन को देखिए, और अगर हम एक लाइन को थोड़ा और खड़ा कर दें, उस पर हम निकालें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस लाइन का स्लोप निकालें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इस लाइन का स्लोप निकालें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो जैसे जैसे लाइन और खड़ा बोलते हैं वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे उस लाइन का स्लोप और बड़ा और बड़ा और बड़ा नंबर होता जाएगा। जब लाइन बिल्कुल ही खड़ा हो जाएगा, यानी वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, तब उसका स्लोप क्या होगा? तब उस पर कोई 2 पॉइंट चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन का नाम है x=7, तो इस पर हम 2 पॉइंट चुनते हैं, एक कोई 7.5 और 7.9। हम 2 पॉइंट लिए हैं, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट साथ चुने हैं, वाई कोऑर्डिनेट कोई भी 2 नंबर चुन लिए। अब स्लोप निकालने के लिए जब हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे तो डेल्टा वाई हो गया 4, 9 माइनस 5 और डेल्टा एक्स 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज ही नहीं हुआ और बहुत ज्यादा चेंज हो गया वाई कोऑर्डिनेट में। तो 4/0 मतलब 4 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ 0। अभी रेसिप्रोकल फंक्शन हम लोग नहीं पढ़े, तो हम 1/0 का मतलब नहीं जानते हैं। हम जब रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको उस समय हम 1/0 के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये एक बहुत लार्ज नंबर है ये। हाँ, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे खड़ा होता जाएगा डिनोमिनेटर छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर, दिस बटे दिस वो बड़ा होता जाएगा नंबर, यानी कि हम स्लोप को इन्फिनिटी लिख देते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप पूछेंगे तो आप 0 बोलेंगे, और एनी वर्टिकल लाइन का स्लोप पूछेंगे तो आप इन्फिनिटी बोलेंगे। और किसी भी लाइन का स्लोप एक बार और समझ लें हम लोग कि किसी भी लाइन का स्लोप एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और एक नेगेटिव नंबर भी। जैसे एक ऐसा लाइन को देखिए, इस लाइन पे अगर आप 2 कोई भी पॉइंट चुनते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक जाने में और वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ है ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। x2 माइनस x1 एक पॉजिटिव नंबर है और y2 माइनस y1 भी पॉजिटिव है। यानी जब आप x का वैल्यूज इंक्रीज किया तो y का वैल्यूज भी इंक्रीज किया। तो इस लाइन का स्लोप निकालिएगा तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू है 5/3, तो हम कोई ऐसे लाइन का
के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे बना सकते हैं इस लाइन को कि आप 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घसकने पे 5 यूनिट्स का राइज हो रहा है। यहां मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लंबा बनाए हैं तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा बनाएंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन होगा उस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी 3 यूनिट्स घसकिएगा तो 5 यूनिट्स का राइज मिलेगा। 3 यूनिट्स चेंज होगा एक्स कोऑर्डिनेट में तो 5 यूनिट्स का चेंज आपको मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट में। ऐसा एक ही लाइन नहीं है जिसका स्लोप 5/3 है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन बनाइएगा तो ये सभी लाइंस का स्लोप 5/3 है। अगर हम कहें कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है 1 मतलब 1/1, यानी मैं कैसा स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट्स घसकने पे वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट्स का चेंज मिलता है। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं जो 45 डिग्री एंगल पे झुका होगा एक्स एक्सिस से, उस लाइन का स्लोप 1 होता है। और इसके पैरेलल कोई भी लाइन बना दीजिए, ये सब 1 स्लोप का लाइन हम बना रहे हैं। अगर हम स्लोप नेगेटिव नंबर लिखें तो उसका मतलब ऐसे लाइंस का बात कर रहे हैं जिसमें 3 यूनिट्स चेंज हो अगर एक्स कोऑर्डिनेट में तो वाई कोऑर्डिनेट में -2 यूनिट्स का चेंज, यानी वाई कोऑर्डिनेट घटता है 2 यूनिट से घटता है। ऐसा किसी लाइन या उसके पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप -2/3 लिखेंगे, यानी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में झुका होगा, वो इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं उसको, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, तो वैसे लाइंस का स्लोप पॉजिटिव नंबर्स होगा। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज दिशा में झुका हुआ हो तो वैसा लाइंस को हम लोग ग्राफ को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, जैसे जैसे वैल्यूज ऑफ एक्स बढ़ रहा है वाई कोऑर्डिनेट्स नीचे और नीचे और नीचे आ रहा है, उनका स्लोप्स नेगेटिव होगा। यानी जैसे ही हम बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव है, आप तुरंत कल्पना करेंगे डिक्रीजिंग शक्ल का। हाँ, कितना ज्यादा झुका हुआ होगा वो जितना नेगेटिव, अगर कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है -5, मिटा करके फ्रेश बना के दिखाते हैं आपको कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हम कहते हैं -5, आप ये चित्र कहीं भी बना सकते हैं -5 स्लोप का लाइन, लेकिन हम अभी आपको किसी भी ओरिजिन से शुरू करते हैं। इसको कल्पना कीजिए, लिखा है Δy/Δx, तभी समझ पाइएगा। लिखा है कि एक ऐसा लाइन का बात कर रहे हैं जिसके x कोऑर्डिनेट में अगर 1 यूनिट का चेंज होगा तो y कोऑर्डिनेट में 5 यूनिट्स का ड्रॉप मिलेगा आपको, राइज नहीं ड्रॉप, घटेगा। हो गया आपका एक लाइन ऐसा आप बना दिए जिसका स्लोप है -5। आप इसके पैरेलल कोई भी लाइन बनाइएगा तो सबका स्लोप -5 है। एक और एग्जांपल देखें, अगर किसी लाइन का स्लोप -2/3 -1/2 है, -1/2, इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट में हम यहीं से चलते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, कल्पना करने के लिए कि ये -1/2 स्लोप का मतलब क्या होता है। माइनस मीन्स ढलान होगा, और ढलान कितना है उसी का ये मेजर है। ये स्लोप -5, इतना मैग्नीट्यूड है ढलान का। माइनस मतलब ढलान और -1/2 मतलब -0.5। तो अगर आप तुलना करेंगे दोनों सड़क को तो ये बहुत ज्यादा ढलान है इसके तुलना में, उसके तुलना में ये सड़क काफी जेंटल है,
और इसके तुलना में वो सड़क काफी खड़ा है, स्टीप। तो माइनस हाफ का मतलब 2 units अगर घसकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस तो हमको 1 unit का ड्रॉप मिलता है, कुछ इस तरह का। पिछला था 1 unit एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज करने पर 5 units का ड्रॉप मिल रहा था वाई कोऑर्डिनेट में। इस बार 2 units चेंज करते हैं एक्स एक्सिस में तो 1 unit का आपको ड्रॉप मिल रहा है। दिस इज द स्लोप ऑफ माइनस हाफ एंड दिस लाइन है स्लोप -5। अब इसके पैरेलल कोई भी लाइन बनाइएगा तो उसका स्लोप -7 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग स्लोप को फील करने लग गए कम से कम, फिर स्लोप के बारे में बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस पढ़ते वक्त। फिलहाल हम लोग इतना बात समझ गए कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं। अब हर कर्व को स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते हैं, लेकिन आज के बाद आप पक्का जानते हैं कि इस कर्व को हम स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बोलेंगे। इसलिए क्योंकि इस कर्व का जो स्लोप है वो वेरिएबल है, यूनिफॉर्म स्लोप नहीं है। कभी कर्व पे आप जब यहां से चलते चलते यहां जाएंगे तो एक चढ़ाई पाएंगे आप यहां से, फिर जब यहां से आएंगे तो पहले की तुलना में कम चढ़ाई पाएंगे, फिर ढलान पाएंगे, फिर चढ़ाई, फिर ज्यादा चढ़ाई, फिर और कम चढ़ाई, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्थान से गुजरते वक्त आपको ये सड़क कभी अलग अलग स्लोप का मिलेगा। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन उसको बोलते हैं विच हैज अ यूनिफॉर्म स्लोप। अब हम लोग वापस आएंगे अपने लीनियर फंक्शंस पे। हम एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम साबित करने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे साबित करेंगे? हम इस चित्र पे कोई 2 पॉइंट ले लेंगे, एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं इस फंक्शन के ग्राफ पे। एक पॉइंट लिए हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, तो उसका स्वाभाविक रूप से जो y कोऑर्डिनेट लेंगे, अब वो मेरी मर्जी पे नहीं है, इस फंक्शन में जो इनपुट डालते हैं वो इंडिपेंडेंट बोलते हैं, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जो ये फंक्शन आउटपुट रिटर्न करता है वो वैल्यू को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम इसके डोमेन में से कोई नंबर डाले 5, तो 5 हम कोई भी नंबर बोल सकते थे डोमेन में से, 5 बोले या -53, 2.7। लेकिन जब फंक्शन का वैल्यू आपसे पूछेंगे तब आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो अगर हम इस ग्राफ पे कोई एक पॉइंट चुनना चाहते हैं आर्बिट्ररी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट चुने हैं x1, अब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ लिख देंगे y1, हमको लिखना होगा 2x1-3, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हुआ, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट x1 चुने हैं तो y कोऑर्डिनेट यही चुनना होगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं इसी फंक्शन के ग्राफ पे। अभी तक हम नहीं जानते हैं कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अभी मेरे लिए कोई एक कर्व है, इसका चित्र कोई एक कर्व है, हमको साबित करना है कि ये कर्व स्ट्रेट लाइन है। कैसे साबित करेंगे? हम इस पे कोई 2 पॉइंट ले लेंगे आर्बिट्ररी, x2, 2x2-3, और अब हम स्लोप निकालेंगे ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB। देखें क्या आता है, y2-y1 डिवाइडेड बाई x2-x1, ये हाइट को y2-y1 बोलते हैं और इसको x2-this/this करना है। तो this माइनस दिस कीजिएगा तो न्यूमरेटर में 2x2-x1 बचेगा, ये कैंसिल आउट कर जाएगा, और डिनोमिनेटर में x2-x1 बचेगा जो कैंसिल आउट करके 2 आ गया।
यानी ए से बी को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप 2 आया। अभी नहीं पता है हमको, हमको यही पता है कि कोई कर्व है, इस फंक्शन का चित्र कोई कर्व है। हम उस कर्व पे 2 आर्बिट्ररी पॉइंट लिए हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट्स चुने हैं। किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे अगर 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स बोलिएगा चुनने, तो हम पहला संख्या कुछ भी लिख लेंगे, हाथी घोड़ा कुत्ता बिलाई, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हाँ कोई नंबर मत चुन लीजिएगा 5, तब वो आर्बिट्ररी नहीं हुआ, तब वो पर्टिकुलर हो गया खास। तो आर्बिट्ररी चुनना है तो कोई भी नाम से संबोधित कर दीजिए, से x1 और एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2, अब वाई कोऑर्डिनेट तब उस फंक्शन का वैल्यू होगा फॉर एक्स इक्वल टू x1, जो इस केस में अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट ये चुनना होगा y। आप नोटिस किए कुछ कि जो स्लोप आया वो आंसर में x1 x2 है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x1 एंड x2 आया। यही तो साबित करना चाहते थे कि चाहे x1 x2 का वैल्यू कुछ भी होता, यानी कोई 2 पॉइंट चुने होते आप, एक्स कोऑर्डिनेट्स कुछ भी, स्लोप यही आता। हेंस हम साबित कर दिए कि ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। 2x-3 फंक्शंस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 2, ये साबित किए। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं लीनियर, से -3x+1, उसका ग्राफ हमको नहीं पता है क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन हम साबित करना चाह रहे हैं कि इसका सारा डॉट्स अगर लोकेट करके ज्वाइन करें तो वो निश्चित रूप से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऑल द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। हाउ टू प्रूव? चूज एनी 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ, एतना एंड x2-3x2+1 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दोज 2 पॉइंट्स, दिस माइनस दिस, तो -3 टाइम्स ब्रैकेट में x2-x1, 1-1 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई x2-x1 कैन स्लोप। यानी कि ये फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, हम साबित किए कि वो निश्चित रूप से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऑफ स्लोप -3। इसका मतलब ये हुआ कि ax+b टाइप का कोई फंक्शन अगर है लीनियर और इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएं, उस पर कोई 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स सेलेक्ट करें और हम लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालें, तो देखिए दिस माइनस दिस a टाइम्स इतना डिवाइडेड बाय इतना, स्लोप एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ योर चॉइस ऑफ x1 x2। अब x1 x2 की जगह कोई भी नंबर लिखे होते ये कट जाता और आंसर हमेशा यही आता। सो ax+b फंक्शन का जो ग्राफ होगा, हम सक्सेसफुली प्रूव कर पाए कि एक यूनिफॉर्म स्लोप a का ग्राफ बनेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऑफ स्लोप a। इस महत्वपूर्ण जानकारी का अब बड़ा फायदा होगा। अच्छा, इस एक और एग्जांपल आपको हम दिखा दें कि अगर हम आपको एक फंक्शन देते हैं 3x2+1, मान लीजिए -4, x2-4, ये फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए इसका ग्राफ हम बता रहे हैं, एक इवन फंक्शन है, x के जगह -x डालने पर भी वही वैल्यू जाएगा, x के जगह 0 डालिएगा तो इसका वैल्यू -4 होगा,
x के जगह 1 डालिएगा तो वैल्यू -3 होगा, x के जगह 2 डालिएगा तो वैल्यू 0 होगा। इस तरह से x का वैल्यूज बड़ा और बड़ा करते जाइए, 3 डालिए तो 5 होगा, 4 डालिए तो 12 होगा, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी सेम वैल्यूज रिटर्न करेगा। ये फंक्शन को हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, इस तरह के फंक्शंस को, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखना है। चलिए अभी हम इस फंक्शन का ग्राफ बना लिए, हमको साबित करना है कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम कोई दो पॉइंट ले लें ए और बी इस ग्राफ पे, एक पॉइंट चुनते हैं x1, x1² -4 और बी पॉइंट लेते हैं उसका x कोऑर्डिनेट डिफरेंट, तो y कोऑर्डिनेट x2² -4। अब हम स्लोप निकाल के देखते हैं लाइन ज्वाइनिंग ए बी का कि क्या आता है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल दिस माइनस दिस विच इज x2² -x1² / x2 -x1, इसको लिखें x2 - x1 × x2 + x1 और आंसर आया x2 + x1। यानी कि इस लाइन का स्लोप डिपेंड करता है x1 x2 पर। जैसे हम अगर x1 का वैल्यू चुने होते 3 और x2 का वैल्यू 4, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता 3, 5 और b का कोऑर्डिनेट्स होता 4, 12, तब अगर हम स्लोप निकालते ए बी का तो आंसर आता 7। x1 = 12 - 5 / 4 - 7 फॉर्मूला यहां देख लिए, दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम 7 आएगा, इस लाइन का स्लोप आएगा 7। बड़ा ही तीखा स्लोप है, 7 मतलब 7/1, यानी 1 यूनिट घसकने पे 7 यूनिट का राइस, काफी खड़ा ग्राफ। लेकिन अगर हम एक तीसरा पॉइंट लेते सी 5, यानी ये x कोऑर्डिनेट 4, ये x कोऑर्डिनेट 5, 5, 21, अब हम BC को ज्वाइन करता हुआ लाइन का स्लोप निकालें तो सेम स्लोप नहीं आएगा, BC का स्लोप होगा 9, इसके तुलना में वो और खड़ा। अगर आप इधर कोई दो पॉइंट लेते x = -1 और x = 2, तो उस लाइन का स्लोप कुछ और आता। तो अलग अलग पोजीशंस पे दो पॉइंट अगर ले लेके स्लोप निकालें, इधर दो पॉइंट लीजिएगा तो नेगेटिव स्लोप्स आएगा। तो ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म स्लोप। यानी कोई भी दो पॉइंट लेकर के अगर हम स्लोप निकालते और स्लोप एक कांस्टेंट नंबर आता इंडिपेंडेंट ऑफ योर चॉइस ऑफ x1 x2, तो इसको भी कहते कि स्ट्रेट लाइन है। इस ग्राफ को हम लोग पाराबोला के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन के बाद, तो उसमें हम लोग सीखेंगे। तो सभी लीनियर फंक्शंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ग्राफ बनाएं कैसे। मान लीजिए हमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, वापस जा रहे हैं तो बड़ा मेहनत किए थे इसका ग्राफ बनाने के लिए। हम ढेर सारा वर्टिकल लाइंस बनाए थे और हर वर्टिकल लाइन पे कहे थे कि डॉट खोजिए, ज्वाइन कीजिए। अब नहीं करेंगे, अब जब ये मालूम हो गया कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होना है, यानी सारा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है ये मालूम हो गया, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम सिर्फ दो पॉइंट लोकेट करेंगे, कोई भी दो पॉइंट। जैसे हम x = 0 डालेंगे तो ये फंक्शन का वैल्यू -3 होगा, यहां एक डॉट बना दिए -3 पे। x = 1 डालेंगे, ये है 1, तो वैल्यू -1 होगा। बस अब इन्हीं डॉट को हम ज्वाइन करके एक चित्र अपना कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बाकी सारा डॉट्स हमको निश्चित रूप से पता है कि इसी लाइन पे होगा। दैट इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर फंक्शन, सिर्फ दो पॉइंट लोकेट करना है।
Which two points? Any two points. X equal to zero line पे हम एक point locate कर लिए, x के जगह zero डाल लिए और y coordinate निकाल लिए, zero comma minus three एक point डालें, x के जगह one डालें और एक और point locate कर लिए minus one, काम समाप्त। अगर किसी विद्यार्थी को ये पसंद नहीं हो तो x equal to zero line पे एक dot locate कर लें और x equal to four line पे locate कर लें, four डालने पर ये फंक्शन 5 रिटर्न करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, 5 ऊंचाई पे y बराबर 5 और x बराबर 4, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स 4, 5 है, यानी x बराबर 4 लाइन और y बराबर 5 लाइन का जो इंटरसेक्शन है। तो आप एक पॉइंट ये लोकेट कर लीजिए, एक पॉइंट ये और ज्वाइन कर दीजिए, आप निश्चिंत रहिए बाकी सारा पॉइंट्स इसी लाइन पे है, वो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। बट ये अच्छा नहीं है, विच इज द मोस्ट हैंडसम मैनर, यानी कि कौन सबसे सुंदर दो पॉइंट है जो हम लोग को लोकेट करना चाहिए। हम लोग को आज के बाद ना फंक्शन देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि जल्दी से उसका चित्र बना दीजिए। आपको दो पॉइंट लोकेट करना है, कौन दो पॉइंट लोकेट करना चाहिए वो सिखा रहे हैं। कोई भी जब ग्राफ बनता है ना तो वो वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को कट करता हुआ गुजरता है, हर डॉट एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के इंटरसेक्शन पे लाई करता है। एवरी ग्राफ एज इट मूव्स, इट गोज ऑन इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। कोई भी ग्राफ जब एक्स एक्सिस को जहां कट करता है, जहां भी कट करे, जैसे ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है, कोई एक नंबर होगा, वो नंबर हम लोग ढूंढ सकते हैं। कैसे? ये एक्स एक्सिस का नाम है वाई बराबर जीरो लाइन, यानी इस इक्वेशन में अगर हम वाई के जगह जीरो डाल दें, क्योंकि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो हम वाई के जगह जीरो डाल दें तो हम एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे, ढूंढ रहे हैं पॉइंट, जीरो डाले और एक लीनियर इक्वेशन आया 2x-3 बराबर जीरो, सॉल्व करके हम x का वैल्यू 3/2 निकाल लिए। हम लोग को अच्छे से पता है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जोड़ा जोड़ा में ढूंढते हैं, x के जगह कोई भी नंबर डाल दें तो आप y का वैल्यू कैलकुलेट कर लें एंड वैसे वर्षा, अगर y के जगह कोई नंबर डाल दें तो आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x बराबर y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम y का वैल्यू बता दें तो आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोई भी हम अभी एक सवाल पूछे कि ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहां कट करता है, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है y बराबर 3 लाइन, इस लाइन को कहां पे कट करता है, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हम दे दिए हैं, आपसे x कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो आप यहां y की जगह 3 लिखेंगे और x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 + 3 = 6/2 और जवाब देंगे 3। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां पे कट किया है और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो कैसे ढूंढते हैं? आप अगर इसमें x के स्थान पे 0 डाल दीजिए, x के स्थान पे 0, ये लाइन का नाम है x इक्वल टू 0 लाइन, तो आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा -3। और जब y के स्थान पे 0 डाल दीजिएगा तो आपको ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इन पॉइंट्स को कहते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोलते हैं। कोई भी ग्राफ जहां y एक्सिस को कट करेगा उस नंबर को बोलते हैं y इंटरसेप्ट।
और जिस जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जो कि इस केस में 3/2 है वो नंबर, ये नंबर को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण नंबर्स है। भविष्य में भी कोई फंक्शन का ग्राफ दिया होगा तो वो कुछ ऐसा ही होगा, हर फंक्शन का ग्राफ मतलब इस प्रकार का कोई एक इक्वेशन होगा जो उस पर्टिकुलर ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हो। अगर हम ये जानना चाहेंगे कि ये ग्राफ का एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताइए, तो आप एक्स के स्थान पे 0 डाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे फंक्शन का वैल्यू, एक नंबर आएगा, वो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, यानी आपको वाई इंटरसेप्ट निकल जाएगा। यह है एक्स बराबर 0 लाइन। और जब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट पूछेंगे तो आप ये वाला लाइन वाई के स्थान पे 0 डाल देंगे, एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यूज निकालेंगे। हो सकता है कोई ग्राफ कई बार एक्स एक्सिस को कट करे, जैसे ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है और वाई एक्सिस को एक बार, और ये सब हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक्स के जगह 0 डालेंगे हमको वाई इंटरसेप्ट निकल जाएगा, और वाई के जगह 0 डालेंगे एक्स इंटरसेप्ट निकल जाएगा। यही सबसे हैंडसम दो पॉइंट होता है। यानी हम लोग अब ये सीखे कि अगर हमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता तो हम यही पॉइंट और ये पॉइंट लोकेट करते, वन पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एंड वन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और दोनों को ज्वाइन करते। यही आदत बना लीजिए। एक एग्जांपल देख ले। अब हम लोग तेजी तेजी बना सकते हैं किसी भी लीनियर फंक्शन का चित्र, -3x+5 का चित्र बनाना है तो हम इस फंक्शन के वैल्यूज को y नाम से संबोधित कर लें ताकि यहाँ y लिख सकें और यहाँ x। x की जगह 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 5 आया, यानी ये y एक्सिस को कट करेगा एट सम पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। एक डॉट लोकेट किए हैं हम, इस डॉट का x कोऑर्डिनेट 0 था और y कोऑर्डिनेट 5, पर यहाँ सिर्फ 5 ही लिखते हैं। y एक्सिस पे किसी भी डॉट के आगे इसका कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो आप 0.5 बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेकिन y एक्सिस पे जितना भी नंबर्स लिखा होता है सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स लिखा होता है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो समझ जाते हैं हम सब कि 0 है, और x एक्सिस पे भी जो डॉट्स होता है उनके बगल में भी सिर्फ नंबर्स लिखा होता है, एक ही जोड़ा में नहीं, जबकि यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा होगा तो एक जोड़ा नंबर लिखेंगे टू रिप्रेजेंट दैट पॉइंट। बट एक्स एक्सिस पे लिखा हो तो सिर्फ एक ही नंबर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछिएगा तो 2.0 होंगे, डिवाइड कोऑर्डिनेट 0। तो हमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम एक पॉइंट लोकेट करेंगे। अब हम इस बार y की जगह 0 डालेंगे, x इंटरसेप्ट ढूंढ रहे और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी हम दोनों तरफ -5 से ऐड कर देंगे और अब दोनों तरफ -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/3 आएगा, माइनस माइनस काट दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, ऐसे बोलेंगे 5/3। ये 5 है, 5/3 मतलब 1.67 यहां पे कहीं है। दो डॉट लोकेट हो गया। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। और चूंकि हमको पक्का पता है कि बाकी सारा पॉइंट्स कोलिनियर है, इन्हीं दोनों के साथ कोलिनियर है यानी कॉमन लाइन पे लाई करता है, तो हम बस ज्वाइन कर देंगे और ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब जितना भी पॉइंट्स दिख रहा है इस चित्र पे, वो सब का कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ पे आप एक वर्टिकल ड्रॉप किए, एक संख्या दिखा अल्फा, और हॉरिजॉन्टल ड्रॉप किए एक संख्या दिखा बीटा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है, तो निश्चित रूप से ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी बीटा का वैल्यू निश्चित रूप से इक्वल टू है -3 टाइम्स अल्फा +5।
एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन डेफिनेटली सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और एक भी छूटा नहीं है। यानी ये वाला पॉइंट जो हमारे चित्र पे नहीं है, हम कलम को जब गुजारे हैं ऐसे तो उस पॉइंट से नहीं गुजारे हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो -3 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट +5 के बराबर नहीं होगा। जो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इस संबंध से बंधा है, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स -3 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट +5, वो सब ढूंढ दिए इसी तरह। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पूछें कितना है, तो अब आपको एक्चुअली में दो पॉइंट इस ग्राफ पे लेकर के स्लोप निकालने का जरूरत नहीं। चेक भी कर लेते हैं, जैसे हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0.5 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम ए नाम दे दें और बी, तो ए का कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे तो 0.5 और बी का कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे तो 5/3.0। जरा स्लोप निकालते हैं, वो हमारे जानकारी के अनुसार -3 आना चाहिए। y2 - y1 / x2 - x1 0 - 5/3 इक्वल टू न्यूमरेटर में 5 हो गया, डिनोमिनेटर में -5/3 हो गया, जिसको 5 × -3/5 लिखते हैं और 5 काट के -3 लिखते हैं। आप कोई दो पॉइंट लेते हैं, स्लोप यही आता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी साबित कर चुके हैं, अभी हम ऐसे ही चेक कर रहे थे। अगर ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें, फॉर एग्जांपल हम अगर कोई एक दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, एक पॉइंट पी है कोऑर्डिनेट्स -6.2 - 8.2 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और हम दे रहे हैं क्यू -4, -4, -4, -4 और हम आपसे पूछें कि इस लाइन का स्लोप बताइए, स्लोप ऑफ पी क्यू। ऐसे ही कंफर्म कर ले रहे हैं एक बार और, स्लोप निकालना सीख गए कि नहीं। तो y2 - y1 (2 - -4) / x2 - x1 द पॉइंट इज कि किसको बोले y2 का, किसको y1, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को बोलिए आंसर से y1। यानी आप इस सड़क पे इधर से जाइए इधर, अगर तो चेंज इन x कोऑर्डिनेट हुआ ये वाला एरो और चेंज इन y कोऑर्डिनेट ये हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये एरो हुआ। यानी अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालते हैं अगर, तो ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल, तो आप चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो -4 - -8 यानी 8 - 4 यानी बोलेंगे 4 प्लस, मतलब पॉजिटिव चेंज हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट में। और चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछेंगे तो ये y2 ये है, इस बार y2 माने फाइनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस दिस, तो आप -6 बोलेंगे, यानी 6 यूनिट से आप नीचे गए, आप 4 यूनिट से राइट दाहिने गए। अगर कोई विद्यार्थी यहां से वहां गया होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट उसके टेल से शुरू करते हैं एरो बनाना और फिर माथा की तरफ ले जाते हैं, तो ऐसा अगर इधर से इधर कोई जाता तो उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पूछते तो इस बार डेल्टा x का वैल्यू -4 आता, नेगेटिव डायरेक्शन में वो घसता है बाएं तरफ और ऊपर की दिशा में गया है, तो डेल्टा y का वैल्यू 2 - -4 + 6 आता है। अभी हम स्लोप निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो स्लोप निकालने के लिए आप
किसको माने x1 y1, किसको माने x2 y2, यानी किसको माने इनिशियल पॉइंट, किसको माने फाइनल पॉइंट। द आंसर इज कि किसी को मानिए आपको आंसर सेम आएगा। जैसे अभी हम इसको माने हैं इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल, इसीलिए y2 माइनस इसको y1 लिखे हैं बटे x2 माइनस x1। तो स्लोप देखिए कितना है, न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में -8 + 4 -4, 2 से कैंसिल आउट कर दें तो -3/2 स्लोप आया इस लाइन का। और अगर कोई वहां से यहां गया होता इसको मानता y2 तो वो स्लोप निकालता -4 - 2 - -4 - -8, वो लिखता y2 - y1 - x2 - x1, उसका भी आंसर वही आएगा -6 न्यूमरेटर में है डिवाइडेड बाय -4 + 8 व्हिच इज 4। द आंसर इज, यानी अगर हम इन यहां से यहां जाते हैं और आपसे पूछते हैं डेल्टा x का वैल्यू बताइए या डेल्टा y का, और अगर यहां से वहां जाकर के यही पूछते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट होगा। लेकिन स्लोप जब पूछते हैं इस लाइन का तो आप किधर से किधर जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, स्लोप किसी भी स्थिति में सेम आएगा। तो जब भी हम दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें और कहें कि स्लोप बताइए, तो कोई में से भी कोई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस माइनस दिस कीजिए, हाँ तब लेकिन डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस करना होगा, या दिस माइनस दिस करते हैं तो डिवाइड करना होगा दिस माइनस दिस। तो चलिए हम लोग लीनियर फंक्शन के बारे में अब ये सीख गए कि कोई भी लीनियर फंक्शन जो कि देखने में ऐसा लगता है ax + b टाइप का, इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण क्वांटिटी है, वो स्लोप है ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, और b नाम का जो क्वांटिटी है वो y इंटरसेप्ट है। x के जगह 0 डालिए तो y का वैल्यू 5 आता है। यानी देखिए इस बात को समझिए, हम लोग इस ग्राफ को जो बनाए हैं जब भी बनाएंगे तो दो पॉइंट लोकेट करेंगे और ज्वाइन करेंगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तय हो गया। बट एक और छोटा सा चीज देख लीजिए, इस लाइन का स्लोप -3 है और y इंटरसेप्ट 5 है, मतलब एक पॉइंट आपको मालूम हो गया, देखते ही मालूम हो गया कि इस पॉइंट से गुजरता है, दूसरा पॉइंट तो आप खोजना होगा लेकिन इस इक्वेशन को देखते ही एक पॉइंट तो तुरंत मालूम हो जाता है, दी वाई इंटरसेप्ट। अब इस पॉइंट से पास करता हुआ अनगिनत लाइन बन सकता है, 0 स्लोप का लाइन, 1 स्लोप का लाइन, 2 स्लोप का, 3 स्लोप का, -1 - -2, अनगिनत। लेकिन हमको बनाना है -3 स्लोप का लाइन जो y एक्सिस को कट करता है एट पॉइंट 5। तो हम इस पॉइंट से शुरू करें अपना ग्राफ बनाना, यहां से 1 यूनिट घसकने पे 3 यूनिट्स का ड्रॉप होना चाहिए अंदाज से, तो कम से कम महसूस तो कर ही जाए कि ये कैसा स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक -3 स्लोप का लाइन एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे आप, एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, बट फील करना बहुत जरूरी है कि ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और किस दर से डिक्रीज करता है वो यहां लिखा है। 3 माइनस मींस डिक्रीज एंड 3 इज द रेट एट विच इट इज डिक्रीजिंग, यानी फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट यू विल फाइंड अ 3 यूनिट्स ऑफ ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। 1 यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ, इस फैक्ट्री में आप एक नंबर डाले 5 और ये नंबर रिटर्न किया -15 + 5, अब आप एक नंबर बड़ा डालिए 1 यूनिट बड़ा, 6 डालिए 1 यूनिट बड़ा, अब देखिए कि ये कैसा नंबर रिटर्न करता है। 6 डालने पर ये -18 + 5 -13 रिटर्न करेगा,
यानी आप x के वैल्यू को चेंज करते हैं 1 यूनिट से अगर, तो फंक्शन का वैल्यू में चेंज होता है -3 का, फाइनल माइनस इनिशियल, -13 -10. फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ इनपुट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिक्रीजेस बाय 3 यूनिट्स. इतना महत्वपूर्ण चीज यहां पे आपको दिख रहा है, यानी दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इसको देख के मालूम चला, एंड इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3, ये मालूम चला. अगर हम आपसे कहें कि एक ग्राफ बनाइए इस फंक्शन का, -half x -3, तुरंत कल्पना करें, एग्जैक्ट ग्राफ बनाना हो तो हम इसका x = 0 डालने पर y का वैल्यू -3, y इंटरसेप्ट तुरंत निकल जाता है, दिखता है माइनस, यही से पास करेगा वो लाइन, पर यहां से पास करता हुआ तो अनगिनत लाइन संभव है. थोड़ा ऊपर बना रहे हैं -3, -2, -1, यहां से पास करता हुआ अनगिनत लाइन है, हमको उसमें से खास लाइन चाहिए. तो हम अगर y की जगह 0 डाल दें तो ½x + 3 = 0, माइनस कॉमन ले लें, यानी कि ½x = -3, यानी x = -6, यहां पे दूसरा पॉइंट है x इंटरसेप्ट, यही वो लाइन है, ये एग्जैक्ट हो गया. लेकिन फील कर पा रहे थे कि नहीं, आप बिना इस पॉइंट को लोकेट किए भी इसका चित्र एक स्ट्रेट लाइन होगा जो यहां से पास करेगा और उसका स्लोप -half, -, -half मतलब ∆y/∆x, 2 यूनिट्स घसकने पे 1 यूनिट का ड्रॉप, एक अंदाज एस्टिमेट. तो आप अंदाज से समझ गए, अब यही कहते y = -2x - 3 का ग्राफ बनाइए, तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पास यहीं से करेगा, लेकिन स्लोप -2 है, -2 माने -2/1, यानी 1 यूनिट घसकने पे 2 यूनिट्स का ड्रॉप, ये काफी तेजी से गिरता हुआ फंक्शन है. अगर हम कहें कि y = 3/2x - 3 का ग्राफ बनाइए, तो वो ग्राफ भी यहीं से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा, y इंटरसेप्ट इज सेम बट स्लोप इज डिफरेंट, 3/2, यानी 2 यूनिट्स घसकने पे 3 यूनिट्स का राइज, कुछ इस तरह का ग्राफ है. तो चलिए हम लोग अब लीनियर फंक्शंस का ग्राफ तुरंत बना लेंगे. ax + b बोलते ही हम दिमाग में एक कल्पना आ जाएगा, इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग, a इज अ नेगेटिव नंबर डिक्रीजिंग, एंड b इज द वन पर्टिकुलर पॉइंट जहां से पास कर रहा है, कट कर रहा है y एक्सिस. चलिए अब लीनियर फंक्शंस का तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे, कुछ एग्जांपल्स, कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि बना पाएंगे कि नहीं. एक लीनियर फंक्शन हम लिख रहे हैं -2x + 1 + 3, इसका ग्राफ हम तेजी से बना सकते हैं, y = -2x + 3, यानी वहां y लिखे हैं तो y का मतलब क्लैरिफाई कर दिए कि y स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप होगा -2 और जिसका y इंटरसेप्ट होगा 3, यानी कि y = 3 इसी पॉइंट से ग्राफ पास करेगा, और नेगेटिव स्लोप का -2 स्लोप, यानी 1 यूनिट घसकने पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 यूनिट्स का वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉप मिलना चाहिए. तो एक ग्राफ हम अंदाज से एक बना दिए. अगर हम एग्जैक्टली चाहते हैं कि ग्राफ बनाएं, तो हमको एक पॉइंट और मार्क कर देना होगा, इसको हम x इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसका वैल्यू निकालने के लिए हम y के स्थान पर 0 डालेंगे, सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3/2, इस फंक्शन का ग्राफ बन गया. इस
फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, इसीलिए जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन अनंत है, यानी x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा या नीचे तक। लेकिन कल्पना कीजिए कि हम अगर कहें कि एक फंक्शन है माइनस टू एक्स प्लस थ्री, डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन, नाम है उसका f of x, उसको डिफाइन कर रहे हैं ओनली फॉर वैल्यूज ऑफ x लाइन बिटवीन माइनस वन से लेकर के माइनस थ्री से लेकर के टू के बीच में ग्राफ बनाएंगे। यानी अब जो ग्राफ आप बनाएंगे वो सिर्फ x इक्वल टू माइनस थ्री लाइन से लेकर के और x इक्वल टू टू के बीच में ग्राफ बनाना है। अब पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है, अब जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का एक टुकड़ा बनेगा, अ पोर्शन, x इक्वल टू माइनस थ्री से लेकर के x इक्वल टू टू के बीच में आपको अपना वर्टिकल लाइंस को स्वीप करना है और हर वर्टिकल लाइन पे डॉट बनाना है। तो अब इस फंक्शन का ग्राफ पूरा नहीं बना के सिर्फ एक पोर्शन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इस फंक्शन का ग्राफ? तरीका वही है, जब ये मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको सिर्फ दो डॉट का जरूरत पड़ने वाला है। जैसे पहले हम जब कहे कि आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए f of x equal to minus 2x plus 3 और उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन था ऑल रियल नंबर्स, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप दो पॉइंट लोकेट किए, x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट, और ज्वाइन कर दिए। लेकिन कभी अगर हम ऐसा सवाल पूछें, यानी हम इस फंक्शन का जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन दिए हैं वो लिमिटेड एक रियल नंबर लाइन दिए हैं जो सबसेट है रियल नंबर लाइन का माइनस थ्री से टू के बीच में, तो अब आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए जो दो डॉट्स लोकेट करना चाहिए वो एक इस लाइन पे, यानी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री डालने पे जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू को लिखते हैं एफ ऑफ माइनस थ्री बोलते हैं और ऐसे लिखते हैं, तो एक एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कॉमा एफ ऑफ माइनस थ्री ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्री और वाई कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करेंगे जो कि कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस थ्री का वैल्यू एक्स की जगह माइनस थ्री लिखेंगे सिक्स प्लस थ्री नाइन आएगा, और एक और पॉइंट लोकेट करेंगे इस वर्टिकल लाइन पे। देखिए तरीका डिफरेंट है, जब हम लीनियर फंक्शन को एक सबसेट ऑफ द रियल नंबर लाइन ऐसा डोमेन में हम कहेंगे कि ग्राफ बनाइए, तब आप दो जो डॉट बनाएंगे वो उन दोनों एक्सट्रीम वर्टिकल लाइंस पे एक एक डॉट लोकेट करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स होगा, बी का कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट तो टू होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ टू, जहां कि एफ ऑफ टू का वैल्यू एक्स के जगह टू डालेंगे तो माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन आया, यानी ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा नाइन, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्री वाई कोऑर्डिनेट नाइन, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट टू, थोड़ा और निकट बना लेते हैं इस लाइन को, और वाई कोऑर्डिनेट होगा यहां पे माइनस वन। अगर हम पूछें कि इस फंक्शन का रेंज बताइए, इस फंक्शन का रेंज तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो तो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, और ऐसा ऐसी सब पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट्स है वो y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से y इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। इस फंक्शन का हम पूछें कि रेंज बताइए, तो जवाब आप इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ये है डोमेन, आप इस प्रकार बताते हैं डोमेन को, क्योंकि हर फंक्शन में जो इनपुट वेरिएबल है उसको अगर एक्स नाम से संबोधित करते हैं
आउटपुट वेरिएबल को एफ ऑफ एक्स नाम से पुकारते हैं, यानी एक्स डालने पर ये जो नंबर रिटर्न करता है उस नंबर को पुकारते हैं एफ ऑफ एक्स नाम से। जैसे कैसे, एफ ऑफ माइनस थ्री, एफ ऑफ टू। तो यहां पे लिखा है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट, यानी कि जो इनपुट नंबर्स आप डालेंगे वो जिस सेट को बिलोंग करता है वो कहते हैं फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन, और आउटपुट जो नंबर निकलता है ये आउटपुट है। या तो आप इसको y लिख दें या f ऑफ x लिख दें। तो वैल्यूज ऑफ द फंक्शन बिलोंग टू विच सेट, उस सेट को कहेंगे फंक्शन का रेंज। तो जैसे इस फंक्शन का रेंज हम पूछें तो आप इस प्रकार जवाब देंगे। अगर हम इस फंक्शन का रेंज पूछें, इसको कोई एक और अन्य नाम से संबोधित कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम इस फंक्शन का रेंज पूछें जो कि ग्राफ पे दिख रहा है, जितना भी पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे है सबका जो y कोऑर्डिनेट है वो इतना से इतना के बीच में लाई करता है, x कोऑर्डिनेट्स इतना से इतना के बीच में और y कोऑर्डिनेट्स इतना से उतना के बीच में लाई करता है। तो हम इस फंक्शन का डोमेन आपको दिए हैं, आपको रेंज बताना है कि फंक्शन का वैल्यूज किस सेट में बिलोंग करेगा, लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं फंक्शन का सारा वैल्यूज माइनस वन से लेके नाइन के बीच में लाई करेगा। क्या क्या चीज पूछ सकते हैं सो देखिए, हम एक फंक्शन देंगे आपको, उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन देंगे और फंक्शन का रेंज पूछेंगे कि बताइए। हम इस डोमेन में से कोई एक नंबर उठा करके हम फंक्शन का वैल्यू पूछ सकते हैं, कहें कि x इक्वल टू वन डालने पे ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। ये फंक्शन है f ऑफ x, इसके डोमेन में से डोमेन है माइनस तीन से लेके दो तक का सारा रियल नंबर। इस डोमेन में से हम कोई एक नंबर लिए वन, और अगर वन डालेंगे तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ये पूछ सकते हैं। वन डालने पर ये वन रिटर्न करता है, एक्स की जगह वन डाले। उल्टा पूछ सकते हैं, इसका रेंज जो कि रियल नंबर्स रिटर्न करेगा माइनस वन से लेके नौ तक ये फंक्शन नंबर्स रिटर्न करेगा। हम इसके रेंज में से कोई नंबर उठा सकते हैं से सेवन, पूछ सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू सेवन कम होगा, यानी हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सेवन दे दिए हैं और एक्स का वैल्यू यहां से जो नंबर उठाते हैं उसको एक्स बोलते हैं और यहां जो नंबर अब होता है रिटर्न करता है उसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो अगर हम एक्स का वैल्यू दे दें तो आप एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बता देंगे यहां डाल के, और अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दें तो आप एक इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, 7 माइनस थ्री फोर डिवाइडेड बाई माइनस टू माइनस टू। हम आपको जो जो चीज पूछ सकते हैं एक फंक्शन से संबंधित सबको एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अभी मेरा फंक्शन सिर्फ लीनियर है इसलिए जितना भी सवाल पूछेंगे वो यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन के लिए पूछेंगे, परंतु यही चीज हम किसी भी फंक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो तो हम आप उसके डोमेन में से कोई नंबर उठाएं तो बताइए उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा फॉर दैट एक्स, और फंक्शन का वैल्यू दे दें, आप पूछें कि कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स डालने पर फंक्शन वैल्यू उतना रिटर्न करता है, तो आप इसी तरह से जवाब देते हैं। एक ही क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करके एक्स का मान ढूंढना पड़ता है। फिर हम आपसे पूछ सकते हैं कि x का वैल्यूज माइनस थ्री से टू तक सारा वैल्यूज इसमें डालें एक एक करके तो ये जो सेट रिटर्न करेगा उसको रेंज बोलते हैं, या इस सेट को अगर हम कैपिटल A नाम से डिनोट करें तो इस सेट को हम f ऑफ A नाम से डिनोट करेंगे, ठीक वैसे जैसे
एक नंबर एक्स डालते हैं इस फैक्ट्री में, तो ये एक नंबर रिटर्न करता है जिसको हम एफ ऑफ एक्स नाम से पुकारते हैं। जैसे कि एफ एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हो जो एक्स नंबर पे अप्लाई कर दिया गया हो। जैसे अगर स्क्वायर फंक्शन होता तो 3 के डालने पर ये स्क्वायर ऑफ 3 कहते कि रिटर्न करेगा, यानी कि हम 3 पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उसका स्क्वायर कर दिए हैं, वही रिटर्न करेगा। तो एक नंबर डालते हैं x, तो ये जो नंबर रिटर्न करता है उसको बोलते हैं f of x। तो पूरा एक सेट ऑफ नंबर्स डाल दें a, तो ये एक सेट ऑफ नंबर्स रिटर्न करेगा, उस सेट को पुकारते हैं f of a। यहां पे a हुआ डोमेन और ये f of a एक सेट है, एक नंबर नहीं है, ये हुआ रेंज। तो जैसे हम अभी इस सवाल में एक फंक्शन डिफाइन किए और ये एक सेट है सेट ए, और आपसे हम पूछे एफ ऑफ ए सेट बताइए, तो ये है सेट, यानी ए सेट इनपुट सेट अगर ये है तो आउटपुट सेट क्या होगा, तो आप ऐसा जवाब देंगे। या हम पूछेंगे कि इस फंक्शन में इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट देन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विल बिलोंग टू विच सेट, इस तरह का हमारा भाषा होगा। तो आप कैसे जवाब देंगे अगर हम आपको एक डोमेन डिफाइन कर दें, एक फंक्शन डिफाइन कर दें और फंक्शन का रेंज पूछे फॉर दैट डोमेन? तो जवाब देने के लिए क्या करना होगा, आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना होगा x इक्वल टू माइनस 3 से लेके x इक्वल टू 2 के बीच में। अगर आप कोई भी फंक्शन हो, अभी तो लीनियर फंक्शन है, पर कोई भी फंक्शन हो, हम उसका ग्राफ अगर बना लें तो हमको उसका रेंज ग्राफ पे दिख जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना से कितना के बीच में फंक्शन का वैल्यूज, ये सब y एक्सिस पे जो डॉट्स है, हर पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, दे आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर x, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर x, दिस इज द वैल्यू। तो y एक्सिस पे आपको रेंज दिख जाता है। जैसे अभी हम देखे थे, हमको इस फंक्शन का इस डोमेन के लिए रेंज निकालना था, तो हम इसका ग्राफ बनाए x इक्वल टू माइनस 3 से x इक्वल टू 2 इंटरवल में इसका ग्राफ बनाए, तो यही टुकड़ा था, इसको मिटा दे रहे हैं, दिस वॉज द ग्राफ यहां से लेके यहां तक, और इसका रेंज देखना था तो हम यहां से लेकर के वहां तक सारा पॉइंट से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएं तो हमको वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जितना भी रिटर्न करेगा ये वो सब दिख जाएगा कि -1 से लेकर 9 तक रिटर्न करेगा। एक बार फिर से बोले, किसी भी फंक्शन का किसी भी डोमेन के लिए अगर हम रेंज पूछे, आपको उस फंक्शन का उस डोमेन में पहले ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ बनाने के बाद आपको दिख जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी हमको सिर्फ लीनियर फंक्शन से मतलब है, लेकिन भविष्य में यहां पे कोई भी फंक्शन हो सकता है और क्वेश्चन भी सेम होगा, फाइंड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। लीनियर फंक्शन के लिए ये जवाब देना बहुत आसान है, बिना ग्राफ बनाए हम जवाब दे सकते हैं। कैसे? चूंकि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा अगर पॉजिटिव स्लोप हुआ तो, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जैसे अभी इस फंक्शन का ग्राफ जो बनाए हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते एच ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-5 फॉर एक्स लाइन बिटवीन -3 to 2, और अब हम इस फंक्शन का रेंज पूछते, यानी एच ऑफ एक्स नंबर्स विल बिलोंग टू विच सेट, यही खोजना है। इफ आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन कॉल्ड एच ऑफ एक्स फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स लाइन बिटवीन -3 to 2, देन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विल बिलोंग टू विच सेट, ढूंढ के बताइए। तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है इस सवाल का जवाब देने के लिए,
जैसे इसका जवाब देने के लिए कि अगर x का वैल्यूज इस फैक्ट्री में हम डालते हैं -3 से लेकर 2 के बीच में, तो ये फैक्ट्री कितना से कितना के बीच में नंबर रिटर्न करेगा? एफ एक्स विल बिलोंग टू -1,29। ये जवाब देने के लिए आपको ये चित्र बनाने का जरूरत नहीं था, वही हम सिखा रहे हैं। जैसे ही फंक्शन देंगे हम तुरंत जवाब लिख देंगे। देखिए हम लिख रहे हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे कि हाँ वही सही आंसर था। या चलिए पहले देख लेते हैं कैसे जवाब देंगे। कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको कि कैसे जवाब देंगे। अगर कोई एक इंटरवल है x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी, इस इंटरवल में अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी ग्राफ हो, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका रेंज बताना बहुत आसान है। उसका रेंज बताना मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ फंक्शन है, उसका मतलब क्या होता है कि आप उसमें ए सबसे छोटा नंबर है, बी सबसे बड़ा नंबर उसके डोमेन में, तो आप अगर ए डालेंगे तो ये फंक्शन एक नंबर रिटर्न करेगा, अगर उससे बड़ा नंबर डालेंगे तो आउटपुट उससे पहले वाले से बड़ा होगा, और ये उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। यानी अगर ये फंक्शन का स्वभाव इंक्रीजिंग स्वभाव का है तो ये सबसे छोटा वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो होगा एफ ऑफ ए, और सबसे बड़ा वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो होगा एफ ऑफ बी। यानी आप तुरंत बता दिए कि इस फंक्शन का जो वैल्यूज होगा वो कितना से कितना के बीच में लाइक है। और अगर ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग स्वभाव का फंक्शन होता, डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग स्वभाव का होता ए से बी के बीच में, तो उसका लीस्ट वैल्यू होता, जब आप एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू डालते तो उसका वैल्यू लीस्ट होता। एक्स बराबर बी डालते, अगर ये जी एक्स फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं और जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें एक्स बराबर बी पे फंक्शन का जो वैल्यू है जी ऑफ बी, और एक्स बराबर ए पे फंक्शन का जो वैल्यू है जी ऑफ ए, तो अब फंक्शन का वैल्यू जी ऑफ बी से लेकर जी ऑफ ए के बीच में लाई करता। इतना ही तो बताना है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन का वैल्यूज इफ एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, देन वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विल लाई बिटवीन एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ ए, इफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए कॉमा बी। इस इंटरवल में अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी फंक्शन का वैल्यूज बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा ही आ रहा है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा और जो सबसे बड़ा वैल्यू रिटर्न करेगा आप ढूंढ लिए, और बाकी किसी भी वैल्यूज के लिए एक्स के, ये फंक्शन का वैल्यूज इन्हीं दोनों संख्या के बीच में कोई होगा, तो आप जवाब तुरंत दे सकते थे। जैसे ये फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमको पता है, तो आप इस फैक्ट्री में अगर आप डालना शुरू करें -3 नंबर डालें तो ये जो नंबर रिटर्न करेगा वो सबसे छोटा नंबर रिटर्न करेगा, और जैसे जैसे एक्स के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये और बड़ा नंबर रिटर्न करता जाएगा। यानी इस फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एच ऑफ -3, यानी -3 डालने पे जो नंबर आएगा, और सबसे बड़ा नंबर जो ये रिटर्न करेगा वो एच ऑफ 2। हाँ, अब अगर हम एच ऑफ -3 का वैल्यू और एच ऑफ 2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू लिख सकते हैं कैलकुलेट करके। एक्स के जगह -3 डालिए -14 आएगा, और एक्स के जगह 2 डालिए 1 आएगा। तुरंत खोज लिया बिना ग्राफ बनाए, सिर्फ रेंज बताना, मतलब क्या बताना कि फंक्शन का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में लाई करे। तो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड दी लीस्ट वैल्यू एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अगर ये पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तब लीस्ट वैल्यू ढूंढने में क्या दिक्कत है? एक्स का सबसे छोटा वैल्यू डालिए,
फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू, एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू डालिए, फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू। और इस केस में आंसर क्या होता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस बार बात पलट जाएगा, एक्स बराबर माइनस थ्री डालने पर जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो ग्रेटेस्ट होगा, और एक्स बराबर टू डालने पर ये जो नंबर रिटर्न करेगा वो लीस्ट होगा। एक्स बराबर टू पे ग्राफ का जो हाइट है वो सबसे नीचा होगा, और एक्स बराबर माइनस थ्री पे ग्राफ का हाइट सबसे ऊंचा होगा। तो हमेशा जब आप सेट लिखते हैं ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमेशा छोटे वाले संख्या को पहले लिखते हैं, बड़े वाले को बाद में, वही तो लिखें। अब आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप तुरंत बता सकते हैं कि नहीं, हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करें, लीनियर फंक्शन, अभी आप सभी फंक्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन के बारे में अगर पूछे कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में उसका रेंज बताइए, तो आपको पहले ग्राफ बनाना होगा उसका, तभी आप जान पाएंगे कि कितना से कितना के बीच में वैल्यूज ऑफ द फंक्शन लाई करता है। x a से b के बीच में लाई करता है, तो y कोऑर्डिनेट्स कितना से कितना के बीच में लाई करता है, ये एनालिसिस बिना ग्राफ के नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो कोई एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। और सभी लीनियर फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, माइनस 3/4x प्लस 1/4 फॉर x बिलोंगिंग टू द सेट माइनस वन से लेके तीन तक। तो बताइए वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विल बिलोंग टू फाइंड दिस सेट, यानी आप इसको एक फैक्ट्री की तरह देखिए, जिस फैक्ट्री में आप माइनस वन से लेके तीन तक का सारा नंबर एक एक करके डालेंगे, और ये जो सेट ऑफ नंबर्स रिटर्न करेगा वो बता दीजिए। तो हम आंसर तुरंत लिख रहे हैं, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए x का वैल्यू जब सबसे छोटा वाला नंबर डालिएगा तो सबसे बड़ा फंक्शन का वैल्यू होगा, और सबसे बड़ा वाला नंबर डालिएगा तब ये सबसे छोटा नंबर रिटर्न करेगा, आंसर हो गया। अब हमको सिर्फ ये दोनों नंबर्स कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करके देखें, x बराबर माइनस वन डालिएगा तो 3/4 प्लस 1/4 यानी 1 रिटर्न करेगा, ये लार्जेस्ट नंबर है, इससे बड़ा नंबर रिटर्न नहीं करेगा। और x बराबर 3 डालिएगा तो माइनस 9/4 प्लस 1/4 माइनस 8/4 माइनस 2, ये डालने पर ये रिटर्न किया, ये डालने पर ये रिटर्न किया। फंक्शन का वैल्यू हमेशा माइनस 1 से माइनस 2 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। ये जवाब कैलकुलेट करके लिखने का काम कोई भी कर लेगा, ये समझना जरूरी है कि हम तुरंत बता देंगे फंक्शन का रेंज, इसलिए क्योंकि हम इस फंक्शन का स्वभाव जानते हैं, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये बात हम नहीं जानते होते तो हम इस फंक्शन का रेंज इतना जल्दी से नहीं बता पाते, तब हमको मेहनत करना होगा, वो बाद में देखेंगे, पर लीनियर फंक्शन का तो रेंज हम तुरंत बता देंगे। हम इसी सवाल को फिर से बना रहे हैं एक दूसरे भाषा में, ये जो सॉल्यूशन हम आपको दिए हैं इसको ग्राफिकल एनालिसिस कह सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन कह सकते हैं। ग्राफ बनाए नहीं पर मन में चल रहा था बात कि एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू। हम एक और सॉल्यूशन देना चाहते हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सॉल्यूशन को सीखना अत्यंत आवश्यक है, ये हमारे ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पहली बार लर्न कर रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख रहे हैं, दिया हुआ है कि x इज अ रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन और इक्वल टू थ्री। आप देखें कैसे पढ़े हम, अगर दो नंबर लिखा हो
ऐसे, तो हम पढ़ते हैं 2 इज लेस देन 7, या इसी को हम पलट के ऐसे लिख सकते हैं और इसी को पढ़ सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 2। अगर तीन नंबर लिखा हो एक के बाद एक, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर यानी इससे बड़ा उससे बड़ा, तो इसको कैसे पढ़ें? पढ़ें -3 इज लेस देन 2 विच इज लेस देन 7, या इसी को हम पलट के ऐसे लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी इससे छोटा लिखे हैं फिर उससे छोटा, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। और पढ़ेंगे 7 इज ग्रेटर देन 2 विच इज ग्रेटर देन -3। रियल नंबर लाइन पे इस दिशा में बढ़ते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या इंक्रीजिंग डायरेक्शन, और इस दिशा को डिक्रीजिंग। तो यहां -3 लिखा है, यहां 2 और यहां 7, तो इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे और इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे तो दोनों में अंतर था। इसको पढ़े हम -3 इज लेस देन 2 विच इज लेस देन 7, और इसको कैसे पढ़े? इसको नहीं पढ़े हम -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसको पढ़े x, सबसे पहले बोले x और उसके बाद बोले x इज अ रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। अगर हम इस स्टेटमेंट का मतलब हम मीन कर रहे हैं कि x एक नंबर है जो इस सेट में लाई करता है, अगर हम ऐसा लिखते तो इसका मतलब x एक नंबर है जो इस सेट में लाई करता है, यहां एक होल बना देते हैं। इसी को सेट के भाषा में ऐसे लिखते हैं, यहां जो ब्रैकेट डालते हैं इसको हम लोग ऑर्डिनरी ब्रैकेट बोलते हैं या ओपन ब्रैकेट, खुला, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। एक ही बात को हम कितने तरीका से लिख सकते हैं, x एक रियल नंबर है जो इस सेट में लाई करता है, चित्र के रूप में लिख सकते हैं, सेट के भाषा में लिख सकते हैं और इनइक्वालिटी के भाषा में लिख सकते हैं, सब एक ही बात लिखा हुआ है, तीन तरीका से। अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि x एक रियल नंबर है, x इस फैक्ट्री में जो आप नंबर डालेंगे इनपुट उसको x, तो x एक नंबर है जो -1 और 3 के बीच में लाई करता है इंक्लूडिंग -1 एंड 3, यानी इस सेट को अगर हमको सेट के भाषा में लिखना होता तो दोनों तरफ का ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, अगर हमको 3 को भी इंक्लूड करना है अपने सेट में, और चित्र बनाते वक्त यहां पे डॉट डालेंगे दोनों तरफ डॉट्स। तो क्वेश्चन है कि अगर आप इनपुट एक नंबर है जो इतना से इतना के बीच में है, देन -3/4 टाइम्स x +1/4 का वैल्यू कितना से कितना के बीच में लाई करेगा, यानी आप इस फंक्शन का अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट का मतलब जब आप इस फंक्शन का वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो मन में क्या क्या करते हैं, हम उसी बात को यहां लिखेंगे। जैसे हम कहें कि फंक्शन का वैल्यू बताइए फॉर x इक्वल टू 1, तो आप पहले 1 से गुना करते हैं -3/4, यही करेंगे हम। इनपुट डालते ही मेरा ब्रेन पहले उस नंबर को -3/4 से गुना करेगा, यानी एक फैक्ट्री है जिसका सिर्फ इतना ही काम है, ये लिखा है इसके ऊपर कि इसमें अगर आम डालिएगा, x के जगह आम कल्पना कीजिए, तो वो उसको गुना कर देगा -3/4 से और एक नंबर रिटर्न करेगा। अब इस नंबर को लेकर के हम फैक्ट्री में जाएंगे, x+1/4 फैक्ट्री, इस फैक्ट्री का इतना ही काम है कि जो भी घुसेगा उसमें हम 1/4 ऐड करके एक नंबर रिटर्न कर देंगे, ये लिखा है। अब देखिए यहां से 1 घुसा
तो ये फैक्ट्री 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 3/4 से, एक नंबर रिटर्न हुआ माइनस 3/4, 1 के घुसने पर ये नंबर निकला यहाँ से। अब ये नंबर जब इस फैक्ट्री में जाएगा तो जो भी घुसेगा ना उसमें 1/4 ऐड कर देगा, तब ये ऐड करके एक नंबर रिटर्न कर देगा, माइनस 3/4 प्लस 1/4 माइनस 2/4 माइनस हाफ। इसी को कहते हैं इस फंक्शन का फ्लो चार्ट। जरा चेक कीजिए समझ में आया कि नहीं। अगर x घुसा तो यहाँ से निकलेगा माइनस 3x/4। अब ये जब इस फैक्ट्री में घुसेगा तो ये फैक्ट्री x के स्थान पे अब ये नंबर लिखाएगा, वो उसमें ऐड करके एक नंबर रिटर्न करेगा विच इज नथिंग बट दिस फंक्शन। तो हम इसको f ऑफ x लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको। एग्जैक्टली जो जो चीज़ मेरा ब्रेन करता है, जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू मेरा ब्रेन गुजरता है, वही हम यहाँ लिखे हैं। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि एक नंबर हम डालेंगे x, 1, तो क्या रिटर्न करेगा, वो नंबर हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर हमको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया है तो कोई भी इनपुट डालिए माइनस हाफ, तो अगर हमको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया है तो हम फंक्शन का वैल्यू फॉर x इक्वल टू माइनस हाफ कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि हम एक पूरा सेट इसमें लेके घुसना चाहते हैं इस फैक्ट्री में, माइनस 1 से लेकर के 3 तक का पूरा सेट लेके घुसना चाहते हैं। इस सेट को हम ए नाम से संबोधित करेंगे। तो ये जो अब रिटर्न करेगा वो एक नंबर नहीं बल्कि पूरा एक सेट रिटर्न करेगा, उस सेट को हम f ऑफ a नाम से पुकारेंगे। तो यही क्वेश्चन है कि अगर हम इस फैक्ट्री में घुसते हैं ये नंबर्स को लेकर के, तो फाइनली जो नंबर्स निकलेगा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वो कितना से कितना के बीच में होगा। तो जरा देखें हम लोग इस जर्नी को कैसे हम यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्या क्या करेंगे। देखिए हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे हम अगर आपसे पूछते कि x बराबर क्या डालें ताकि ये फंक्शन का वैल्यू 7 हो, तो आप इक्वेशन लिखेंगे माइनस 3x/4x + 1/4 = 7। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं आप तब तक जब तक कि x का वैल्यू निकल नहीं जाता है। याद रहे आप जो करते हैं स्टेप्स उसको ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं, यानी आप इक्वेशन का शक्ल बदलते हैं, इक्वेशन नहीं। तो आप क्या क्या चीज करते हैं वही करते हैं जो जो चीज अलाउड है। आप दोनों तरफ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि लिखा है दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, दिस इज सम नंबर इक्वल। तो अगर ए और बी दो बराबर नंबर है रियल नंबर लाइन पे, ए भी यहीं पे बी भी यहीं पे, तो दोनों तरफ हम कोई नंबर चाहें कि ऐड कर दें, तो अब ये जो नया नंबर बनेगा वो दोनों भी बराबर होगा। अगर दोनों तरफ हम कोई नंबर से गुना कर दें सेम नंबर से, तो अब जो नया नंबर बनेगा वो भी सेम होगा। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें, अब जो नया नंबर बनेगा a² + 3b² + 3 वो भी बराबर। अगर हम दोनों तरफ कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दें f ऑफ a और वही मैथमेटिकल ऑपरेटर b पे, जैसे स्क्वायर कर दिए चाहे क्यूब कर दिए जो किए दोनों तरफ, तो जो नया नंबर बनेगा वो भी बराबर होगा। तो आपको जो मन करना है कर सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन वहां से यहां पहुंचना है तो हम दो चीज करेंगे। पहला स्टेप हम दोनों तरफ ऐड करेंगे -1/4, इसको सिंप्लीफाई करके 27/4 लिख लेंगे। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 से, जो कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x बच जाएगा और राइट हैंड साइड -4/4 कट जाएगा, -9 आ जाएगा। अब हमको सिखाना है कि अगर एक इनइक्वालिटी लिखा हो, अब हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है,
कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब रियल नंबर लाइन पे एक नंबर ए है जो बी से बड़ा है, यहां मान लीजिए ओरिजिन है, यहां बी, यहां ए, तो हम क्या दोनों तरफ अगर हम लाइक नंबर ऐड कर दें, एक नया नंबर बन गया, सपोज कीजिए कि हम इसमें भी 2 ऐड कर दिए a प्लस 2 और इसमें भी 2 ऐड कर दिए b प्लस 2, तो अगर a b से बड़ा है तो a प्लस c और b प्लस c में कौन बड़ा होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस c b प्लस c से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम मात्रा से अगर घसका है दोनों डॉट, तो अभी भी ये डॉट इस डॉट से बड़ा होगा। अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर दे, मान लीजिए माइनस 2, तो ए माइनस 2 अभी में भी माइनस 2 ऐड करें, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि दोनों डॉट अपने अपने स्थान से घसक गया, लेकिन अभी भी ये उससे बड़ा है। तो एक चीज सीख गए कि अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा है, अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन जस्ट के तस उतार देंगे, नो चेंज। गुना करके देखें, अगर हम दोनों तरफ लाइक क्वांटिटी से गुना कर दें, फॉर एग्जांपल ए बड़ा है बी से, लिखा हुआ है ए यहां बी यहां, अगर ए बड़ा है बी से, दोनों नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2a और 2b में अब कौन बड़ा होगा, अगर ए बड़ा है बी से तो 2a और 2b में कौन बड़ा होगा, तो 2a का मतलब a प्लस a होता है, 2b का मतलब b प्लस b, तो a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो ये दोनों नंबर इन दोनों से बड़ा है, तो ये नंबर निश्चित रूप से उससे बड़ा होगा। चित्र में भी देख सकते हैं, ये अगर a है तो 2a मतलब यहाँ, अब b है मैं 2b मन यहाँ, तो पक्का है कि अगर a b से बड़ा है तो 2a 2b से बड़ा होगा, यानी आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से, सेम नंबर से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब माइनस 2a और माइनस 2b में कौन बड़ा होगा, तो अगर a यहां है b यहां है, यह है 2a a, तो माइनस 2a नंबर कहां है, a प्लस a 2a होता है, माइनस 2a यहां पे होगा, यहां से 2a डिस्टेंस की दूरी पर होगा लेकिन नेगेटिव साइड में होगा, और माइनस 2b यहां पे होगा। अब माइनस 2b राइट हो गया माइनस 2a के, अभी बड़ा हो गया, यानी अगर a बड़ा है b से, अब दोनों तरफ आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। अब इन दोनों बात को हम लोग याद रखेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त। याद रहे हम यहां पे ये स्टेटमेंट दिया है, हमको इसको ट्रांसफॉर्म करते जाना है तब तक जब तक कि हमको ये नहीं मालूम हो जाए कि -3/4 टाइम्स एक्स प्लस 1/4 का वैल्यू कितना से कितना के बीच में लाई करेगा। तो यहां से कैसे चलते चलते हम यहां तक पहुंचेंगे वो जर्नी दिखा रहे हैं। हम पहले थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे -3/4 एक्स से, तो ये -9/4 और ये 3/4, लेकिन इनइक्वालिटी साइन पलट देंगे। अभी जस्ट सीखे हैं कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, लिखा हुआ है इससे बड़ा है ये नंबर, इससे बड़ा है ये नंबर, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप -3/4 से, तो अब इनइक्वालिटी पलट जाएगा, अब ये हो जाएगा सबसे बड़ा, उससे छोटा, इससे छोटा। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी सबसे छोटा पहले बाद में, जैसे यहां लिखे हैं सबसे छोटा उससे बड़ा, तो इसी स्टेटमेंट को हम पलट के लिख रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, केवल हम स्टेटमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। यहां ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं हम, थ्रू आउट मल्टीप्लाई किए हैं बाय अ नंबर -3/4, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से गुना करते 3/4 तो इनइक्वालिटी साइन सब जैसा था वैसा ही रह जाता। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, हैंडसम लगता है इसलिए लिखे। अब हम सभी नंबर्स में ऐड कर देंगे 1/4,
कोई भी नंबर ऐड करें, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं होता है। हम लोग यही सीख रहे हैं कि अगर ए और बी एक दो रियल नंबर है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्लस सी बी प्लस सी से बड़ा होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो ए गुने सी बी गुने सी से बड़ा होगा या छोटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि सी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नेगेटिव। इनइक्वालिटी साइन जैसा है वैसा ही कॉपी कर देंगे इफ सी इज अ पॉजिटिव नंबर और इफ सी इज अ नेगेटिव नंबर। इसके सामने लिखे हैं नेगेटिव, तो आप किसी नंबर से जब गुणा करते हैं थ्रू आउट तो अलर्ट रहना है कि इनइक्वालिटी अब वही रहेगा कि पलट जाएगा, लेकिन जब ऐड करते हैं तो जो मन ऐड कर सकते हैं थ्रू आउट। तो इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 1 आएगा और -9/4 प्लस 1/4 -2 आएगा। यानी आप ये पता लगा लिए कि इस फैक्ट्री में अगर x का वैल्यूज हम डालें -1 से लेकर 2 के बीच में तो इस फैक्ट्री से जो नंबर निकलेगा वो -9/4 से लेके 1/4 के बीच में निकलेगा और फाइनली जो नंबर से यहां निकलेगा इन सब में 1/4 ऐड करके वो -2 से 1 के बीच में निकलेगा। यानी इसी सवाल का जवाब हम दो तरीका से दे सकते थे। एक इनइक्वालिटी का भाषा ये है, एनालिटिकल सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक अपने ग्राफ के समझ से कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू खाली निकाल लेना है और जवाब दे देना है। उल्टा भी पूछ सकते हैं, जैसे हम अगर पूछें कि इस फंक्शन का वैल्यूज हम चाहते हैं कि -5/4 से लेकर के 7/4 के बीच में लाई करें, तो बताइए कि x का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में डालें ताकि जवाब ये आए। अब हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, अब ऐसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फंक्शन का वैल्यूज यानी -3/4 4x प्लस 1/4 का वैल्यू दिया है कि -5/4 से लेकर के 7/4 के बीच में हम चाहते हैं कि हो, तो x का वैल्यूज बताइए कि कितना से कितना के बीच में हमको रखना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या क्या करेंगे। इस बार हम थ्रू आउट -1/4 ऐड करेंगे, तो 7/4 -1/4 6/4 यानी 3/2 -5/4 -1/4 -6/4 यानी -3/2 और यहां -1/4 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 से ताकि ये x हो जाए, -4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन को पलट देंगे। 3/2 को जब -4/3 से गुना करेंगे तो यहां -2 बटेगा बचेगा, और जब -3/2 को गुना करेंगे -4/3 से तो -- प्लस हो जाएगा और यहां 3 कट के यहां +2 बचेगा। इसी को जरा हैंडसम फॉर्म में लिखेंगे तो हम को जवाब मिल गया कि अगर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यूज इतना से इतना के बीच में रिटर्न करे तो x का वैल्यूज हमको -2 से 2 के बीच में रखना होगा। अब जितना भी चीज हम पूछ सकते थे किसी भी एक फंक्शन से संबंधित सब हम लोग डिस्कस कर लिए। यही सवाल अब हम पूछेंगे दूसरे किसी फंक्शन में, जो अगला फंक्शन हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक। यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हो, सेम सवाल जानना चाहेंगे कि हम एक कौन नंबर डालने पर ये क्या रिटर्न करेगा, और अगर हम आउटपुट बता दें तो आप इनपुट बता दीजिए, और इनपुट बता दें तो आउटपुट, इनपुट सेट दे दें तो आप आउटपुट सेट बता दीजिए, और आउटपुट सेट दे दें इनपुट सेट को हम इस प्रकार लिखते हैं x should lie between a to b, और ट्रांसफॉर्मेशन करते करते
एपेक्स शुड लाई बिटवीन कितना टू कितना, ये ढूंढ दीजिए, या उल्टा आउटपुट बता दें कि एफएक्स वैल्यूज ऑफ द फंक्शन शुड लाई बिटवीन सी टू डी, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते एक्स शुड लाई बिटवीन कितना टू कितना, आप ये बता दीजिए। सेम सेम क्वेश्चन पूछेंगे हर फंक्शन के लिए, पर एक एक करके एक बार में एक एक फंक्शन को एनालाइज करेंगे। जैसे अब लीनियर फंक्शन के बारे में पूछेंगे तो आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, रेंज पूछेंगे तो तुरंत बता दीजिएगा, यानी इधर डाल करके इनपुट दे करके आउटपुट पूछेंगे तो तुरंत बता दीजिएगा, उसमें ये सब विलंब न कीजिएगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। हाँ, आउटपुट दे करके इनपुट पूछेंगे तब आपको इनइक्वालिटी लिखना होगा, या एक आउटपुट देंगे एक इनपुट बताना है तो इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बताएंगे। जो फंक्शन अभी लिखे थे हम फिर से उस फंक्शन को लिख रहे हैं, माइनस दो बटे तीन गुने एक्स प्लस फाइव एक्स। हम इसका चित्र एक बार फिर से बना रहे हैं। अगर कोई भी लीनियर फंक्शन को जैसे ही हम देखते हैं तो वो समथिंग इनटू एक्स प्लस समथिंग के रूप में हमको लिखा हुआ होता है। जो एक्स का कोएफिशिएंट है, हम सबको पता है कि इस फंक्शन का चित्र एक स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका स्लोप है माइनस दो बटे तीन, वाई इंटरसेप्ट है पांच बटे छः, जो कांस्टेंट टर्म है वही उसका वाई इंटरसेप्ट है, यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो चित्र बनेगा वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो नंबर हमको सीधा दिखता है। x बराबर जीरो डालिए तो y का वैल्यू पाँच बटे छः आएगा, y कोऑर्डिनेट, यानी एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट जीरो है उसका y कोऑर्डिनेट पाँच बटे छः होगा। यहाँ जीरो है, यहाँ वन मार्क कर दें, यहाँ टू, तो पाँच बटे छः एक से छोटा नंबर है, तो यहाँ पर से वो लाइन गुजरेगा एंड नेगेटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो अनगिनत लाइन गुजर सकता है अलग अलग स्लोप का, जीरो स्लोप का लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं और इसका इक्वेशन वाई बराबर फाइव बाई सिक्स लिखते हैं, जीरो स्लोप, ये स्लोप है, तो एनी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन सिर्फ y बराबर सम कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि स्लोप जीरो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इसी पॉइंट से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो उसका इक्वेशन होगा y बराबर पांच बटे छः। अगर हम वन स्लोप का एक लाइन बनाएं, वन स्लोप का मतलब यहां से वन यूनिट चेंज करें x कोऑर्डिनेट में, तो फंक्शन के वैल्यू में वन यूनिट का चेंज हो, यानी अगर ये डॉट जितना भी ऊंचा था x इक्वल टू जीरो लाइन पे, अगर x इक्वल टू वन लाइन तक हम खसक जाएं, तो हाइट फाइव बाई सिक्स प्लस वन हो जाएगा। सो इफ आई चेंज द x कोऑर्डिनेट बाय वन यूनिट्स, देर विल बी अ चेंज इन द y कोऑर्डिनेट बाय वन यूनिट। तो ऐसे लाइन को कहते हैं स्लोप वन का ये लाइन है। तो अगर हम यहां से वन स्लोप का एक लाइन बनाएं, यानी वन घसकने पे वन का राइज, वन यूनिट घसकने पे वन यूनिट का राइज, वन यूनिट घसकने पे वन यूनिट का राइज, तो उस लाइन का इक्वेशन होगा वाई बराबर वन इंटू एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स। अगर यहां से गुजरता हुआ एक लाइन बनाएं ऑफ स्लोप हाफ, हाफ स्लोप मतलब वन बाई टू, यानी टू यूनिट्स एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो, डेल्टा y बाई डेल्टा x को स्लोप बोलते हैं, तो टू यूनिट्स चेंज होने पर वन यूनिट का राइज मिलना चाहिए, तो वो उसके तुलना में लेसर स्लोप है, कम चढ़ाई है, इस पे ज्यादा चढ़ाई है इसके तुलना में, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर हाफ x प्लस फाइव बाई सिक्स। इन सभी लाइंस का y इंटरसेप्ट सेम है लेकिन सबका स्लोप अलग अलग है, सब इसी पॉइंट से पास करता हुआ डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है।
x इक्वल टू जीरो डालने पर इस फंक्शन का वैल्यू है 5/6, y कोऑर्डिनेट इज द हाइट ऑफ द ग्राफ अबव द x एक्सिस, x इक्वल टू जीरो डालने पर हाइट ऑफ द ग्राफ 5/6 है, x इक्वल टू 1 डालने पर इस ग्राफ का हाइट पहले से बढ़ गया 5/6 प्लस 1/3 टाइम्स 1 हो गया, इतना से बढ़ गया। फिर x इक्वल टू 2 जाते जाते ग्राफ का हाइट हो गया 5/6 प्लस 2/3, x के जगह 2 डाले, x इक्वल टू 3 आते आते ग्राफ का हाइट और बढ़ गया 5/6 प्लस 3 टाइम्स 1/3, यही तो लिखा है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा है हाइट ऑफ द ग्राफ विच इज द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 टाइम्स x, यानी x इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ का हाइट दिया हुआ है साफ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है 5/6, एंड किसी भी अन्य वैल्यूज ऑफ x पे ग्राफ का हाइट अगर जानना चाहते हैं तो x कोऑर्डिनेट खाली डालिए, आपको y कोऑर्डिनेट 5/6 प्लस सम नंबर होगा। अगर आप x इक्वल टू -1 पे हाइट निकालना चाहते हैं ग्राफ का तो -1 डालिए, तो 5/6 से छोटा नंबर आएगा, माइनस हो जाएगा ये। x बराबर -5 पे चले जाइए तो 5/6 माइनस और छोटा नंबर। इस वाले ग्राफ पे अगर आप मूव कीजिएगा तो इस ग्राफ का भी हाइट x इक्वल टू 0 पे सेम हाइट है दोनों ग्राफ का, तीनों का। लेकिन जैसे जैसे x का वैल्यूज चेंज हो रहा है इसके y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, यानी फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है। x इज चेंजिंग बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट चेंजिंग, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बट इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू को बढ़ाइएगा फंक्शन का वैल्यू बदलेगा, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बदलेगा। हर 1 यूनिट चेंज कीजिएगा x में तो फंक्शन के वैल्यू में हाफ यूनिट का चेंज होगा, यही तो लिखा है। ये जो स्लोप लिखा है हाफ, इट मींस 2 यूनिट का चेंज करने पर 1 यूनिट का चेंज होगा फंक्शन के वैल्यू में चेंज, यानी 1/2 स्लोप, यानी 1/2/1 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मीन्स कि अगर आप एक्स के वैल्यू को 1 यूनिट से बदल दीजिएगा तो फंक्शन के वैल्यू में हाफ यूनिट का चेंज होगा। ये फंक्शन का वैल्यू है एक्स इक्वल टू 0 पर और ये फंक्शन का वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1 पे। तो ये है चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये है चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हाफ स्लोप का मतलब होता है कि हर एक एक यूनिट का चेंज करते हैं जब x के वैल्यू में तो फंक्शन के वैल्यू में हाफ ऑफ यूनिट का चेंज होगा और एक कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। अब फिर यहां से जब आप एक यूनिट और घसक जाइएगा तो फंक्शन का वैल्यू इतना से अब इतना हो जाएगा, फिर हाफ ही यूनिट का चेंज होगा। फिर आप यहां से जब एक यूनिट और घसक जाइएगा तो फंक्शन का वैल्यू इतना से अब इतना हो जाएगा, फिर हाफ ही यूनिट का चेंज होगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग लीनियर फंक्शंस बोलते हैं, जिसमें फंक्शन इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। एक्स बदल रहा है बट फंक्शन का वैल्यू इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स, कुछ भी डालिए एक्स का वैल्यू। किसी भी समय हम पूछें इस फंक्शन का वैल्यू बताइए, एक्स तो कहीं है ही नहीं। जैसे इसमें एक्स का वैल्यू 3 डालेंगे तो कुछ नंबर आएगा, 5 डालेंगे, बट ये कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। एक्स इज चेंजिंग बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग। इसमें एक्स के बदलने से फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है, लेकिन खास बात यह है
कि ये कांस्टेंट रेट से बदल रहा है। यही फंक्शन अगर लीनियर नहीं होता, कुछ y बराबर x स्क्वायर होता, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5/6 होता, तो x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू भी 5/6 है, सेम। लेकिन अब 1 यूनिट घसकिएगा, यानी x का वैल्यू अब 1 कर दीजिए, तो फंक्शन का वैल्यू 1 + 5/6 हो जाएगा, यानी 5/6 में 1 ऐड हो जाएगा। तो आप x के वैल्यू को जब 1 यूनिट से चेंज किए, तो फंक्शन के वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज हो गया। फिर 1 यूनिट से चेंज कीजिए x को, अब 2 पे चले जाइए, फंक्शन का वैल्यू 5/6 था, अब 11/6 हो चुका है, यानी 5/6 + 1। अब देखें कितना हो जाता है, x इक्वल टू 2 डालिएगा तो 5/6 + 4 हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस वैल्यू के तुलना में 3 यूनिट्स का चेंज हो गया। ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये भी फंक्शन एक इंक्रीजिंग स्वभाव का फंक्शन है, यानी जैसे जैसे x के वैल्यू को बड़ा करते जाएंगे, फंक्शन का वैल्यू बड़ा और बड़ा होता जाएगा, जैसा कि ये है। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर है उनके स्वभाव में। ये फंक्शन के बदलने का दर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रेट से ये चेंज कर रहा है। पूछेंगे रेट बताइए, यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो आप इस केस में किसी भी स्थान पे घसर जाइए, एक्स के वैल्यू को बदलिए, फंक्शन के वैल्यू में चेंज कैलकुलेट कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, हर बार आंसर हाफ ही आएगा, जो हम लोग कल साबित किए थे। इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू x1 डालने पे ये फंक्शन का वैल्यू आता है 1/2 x1 + 5/6। x इक्वल टू x1 कोई लाइन होगा, वहां पे जो ग्राफ का हाइट होगा, और x इक्वल टू x2 डालने पर इस फंक्शन का वैल्यू 1/2 x2 + 5/6 आएगा x2 डालने पर। x का वैल्यू बदला है, x2 - x1 इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, और y2 - y1 इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, जो कि इस केस में दिस माइनस दिस कीजिएगा तो 1/2 x2 - x1 आएगा, 5/6 कैंसिल आउट कर, एंड दिस बाय दिस का जो रेशियो है उसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज, जो कि इस केस में x2 - x1 कैंसिल हो करके सिर्फ 1/2 बचेगा। यानी हम ये याद दिलाना चाह रहे हैं आपको कि ये फंक्शन या कोई भी अन्य लीनियर फंक्शन बना दें, इसी पॉइंट से पास करता हुआ एक बहुत ही स्टीप ग्राफ 5 स्लोप का, 5 मतलब 5/1, 1 यूनिट घसकने पे 5 यूनिट का राइज मिल जाए, ऐसा कोई ग्राफ बहुत स्टीप होगा, इसका इक्वेशन होगा y = 5/6 + 5x, जिसको कि हम हमेशा इस प्रकार लिखते हैं, पहले x वाला टर्म लिखते हैं फिर कांस्टेंट वाला। पर समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्राफ भी जैसे जैसे x का वैल्यू बदलिएगा, ग्राफ का हाइट बढ़ता जाएगा, लेकिन किस दर से बढ़ेगा, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा 5। यानी Δy/Δx का वैल्यू जब निकालिएगा, कहीं भी एक सीढ़ी बनाइएगा, सीढ़ी 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 कहीं भी, तो आपको सीढ़ी का जो स्लोप है वो सेम मिलेगा, वो कहलाता है फंक्शन के बदलने का दर। तो लीनियर फंक्शंस का जो स्वभाव है वो उसमें खास बात यही है कि लीनियर फंक्शंस में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज, वो यूनिफॉर्म होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहां से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनाए, माइनस
3/2 स्लोप का, -3/2, यानी डेल्टा वाई या -2/3, यानी 3 यूनिट्स घसकने पे 2 यूनिट्स का ड्रॉप मिलता हो, ऐसा लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन होगा -mx + c, यानी x=0 पर इस फंक्शन का वैल्यू 5/6 है, जो कि ग्राफ का हाइट, और x का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा और बड़ा करते जाइएगा उसमें एक नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है, इसीलिए ग्राफ का हाइट छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा। किस दर से ये फंक्शन का वैल्यूज चेंज करेगा? इस बार δy/δx यानी दर का वैल्यू आएगा -2/3, विच मीन्स फॉर एवरी 3 यूनिट्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, देर विल बी अ -2 यूनिट्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या हम इसी संख्या को -2/3/1 लिख दें और इसको -0.6, तो फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, देर विल बी अ माइनस मतलब गिरेगा, फंक्शन का वैल्यू घटेगा, प्लस का मतलब बढ़ेगा, +2/3 स्लोप लिखते तो ऊपर लाइन बनाते इस तरह से। तो हम इस बात को खाली याद दिलाना चाह रहे हैं कि लीनियर फंक्शंस देखने में ऐसा लगता है c + mx, जहां c हो गया उस ग्राफ का हाइट, एक जगह x=0 पे डॉट का हाइट, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, दिस डॉट में भी हियर, और उसके बाद अब ग्राफ बनता है, अगर किस दर से ग्राफ अब बढ़ेगा या किस दर से ग्राफ गिरेगा या कांस्टेंट रहेगा, ये डिपेंड करता है m पे। अब ये जो फंक्शन है x²+5/6, ये भी इंक्रीज कर रहा है x=0 पर, फंक्शन का वैल्यू 5/6 है, यानी आप डॉट का जो y कोऑर्डिनेट है, जिसको हम हाइट ऑफ द ग्राफ बोल रहे हैं, वो 5/6 ऊंचाई पे है, और जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं आप, ग्राफ बढ़ रहा है, पर बढ़ने का दर यूनिफॉर्म नहीं है, 0 से जब 1 गए x में चेंज किए आप 1 यूनिट, तो फंक्शन के वैल्यू में जो चेंज हुआ हम ये कैसे कैलकुलेट किए हैं, x=0 डाले, फंक्शन का वैल्यू @0 निकाल लिए 5/6, x=1 डाले, फंक्शन का वैल्यू फिर निकाल लिए 1+5/6 विच इज 11/6। अब चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसको हम δy लिख रहे हैं, निकालने के लिए बोले तो आप फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11/6 - 5/6 1 आया, यानी फंक्शन के वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज हुआ, और x में कितना चेंज आप किए थे, 0 से 1 शिफ्ट किए थे, यानी 1 - 0, और ये 1 हो गया, तो यहाँ से वहाँ के बीच में किस रेट से फंक्शन ग्रो किया है, रेट ऑफ चेंज पूछे, δy/δx का वैल्यू बताइए विद इन द इंटरवल x=0 to x=1, ऐसे लिखेंगे, फंक्शन के बदलने का दर बताइए x=0 से लेकर के x=1 के बीच में, तो उस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू @1 माइनस फंक्शन का वैल्यू @0 डिवाइडेड बाई 1 - 0, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, यही जवाब देना है, और आप बोलेंगे 1। यही हम पूछे δy/δx का वैल्यू बताइए x=1 से लेकर के x=3 के बीच में, तो आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा @3, माइनस करना होगा फंक्शन का वैल्यू @1, तो निकलेगा चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और डिवाइड करना होगा 3 - 1 से, वो है चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, और जो भी आंसर आएगा आप हमको वही जवाब देंगे जब हम पूछेंगे दर, रेट ऑफ चेंज।
उसको मैथमेटिकली लिखते ऐसे हैं, कैलकुलेट ऐसे करते हैं, और जवाब तो हम सब अब निकाल ही लेंगे, फिर भी x के जगह 3 डालेंगे तो 9 प्लस 5 बाई 6 आएगा फंक्शन का वैल्यू। अब x के जगह 1 डालेंगे तो 1 प्लस 5 बाई 6 से हाइट बढ़ गया और बढ़ गया, डिवाइड कर देंगे 3 माइनस 1 यानी 2 से, जो ये आंसर आएगा वो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ज्वाइन करें उस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो उसी लाइन का जो स्लोप है वही आप निकाल रहे हैं, जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब पूछेंगे रेट ऑफ चेंज तो आप समझिएगा कि हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पूछ रहे हैं। 5 बाई 6 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में 9 माइनस 1 8 बाई 2 4, बड़ी तेजी से ग्रो किया है फंक्शन, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में भी ग्रो किया है, लेकिन बदलने का दर है 1, यानी फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज द ग्राफ हैज इंक्रीज्ड इन हाइट बाय 1 यूनिट, जबकि 2 से 3 के बीच में उसके ग्रो करने का दर है 4, 2 यूनिट घस के 8 यूनिट का राइज हुआ, यानी प्रति 1 यूनिट चेंज के करस्पॉन्डिंग 4 यूनिट का राइज हुआ, प्रति पर यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसी को कहते हैं फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, जो कि हम इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। यानी कि कोई भी फंक्शन हम दे दें, जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन दे दें, x इक्वल टू x1 से लेकर के x इक्वल टू x2 के बीच में हम इस फंक्शन का वैल्यू देखिए, x इक्वल टू x1 पे फंक्शन का वैल्यू था एक नंबर जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हाइट है f ऑफ x1 जो यहाँ देख सकते हैं नंबर, x इक्वल टू x2 पे फंक्शन का वैल्यू हो गया बदल के f ऑफ x2, मतलब ये हाइट। तो हम अगर रेट ऑफ चेंज जानना चाहते हैं फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, जिसको हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं, एक्स इक्वल टू कितना से एक्स इक्वल टू कितना के बीच में हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, वो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। इसको हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं या डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, जो भी लिखें इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि हम क्या लिखे हैं। ये जो कैलकुलेशन करेंगे वो इधर करेंगे, ये सिर्फ कुछ बात लिखे हैं, हम इधर लिखे हैं कि हम फंक्शन के वैल्यू में जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय एक्स के वैल्यू में जो चेंज हुआ, एक्स वन से एक्स टू के बीच में ये संख्या को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहां डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, न्यूमरेटर में लिखेंगे f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, जो यहां किए हैं फंक्शन का वैल्यू निकाले हैं एट x इक्वल टू 3, फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो जो निकल गया उसको कहते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे आप एक कैलकुलेशन करके देखें आप कर पाते हैं कि नहीं, हम एक फंक्शन लिख रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग दर से फंक्शन ग्रो करेगा, सेम अमाउंट से x चेंज करेंगे लेकिन फंक्शन के वैल्यू में सेम अमाउंट का चेंज नहीं होगा, यहां से तुलना में ज्यादा चेंज फिर और ज्यादा चेंज। हाँ, लीनियर फंक्शन के बारे में पूछेंगे कि यह फंक्शन किस दर से चेंज करेगा, तो आप नहीं पूछेंगे कि x बराबर कितना से x बराबर कितना के बीच में निकालना है, क्योंकि आंसर इज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट रेट से फंक्शन का वैल्यू चेंज करेगा। हाँ, ये कांस्टेंट रेट से फंक्शन का वैल्यू चेंज करेगा माइनस 2/3, यह माइनस साइन इंडिकेट करता है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ द एक्स गोज ऑन इनक्रीजिंग। चलिए आज के लिए समाप्त, कल हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन